जैन बच्चों, आज हमारा फोर्थ सेशन है नंबर सिस्टम के पास्ट ईयर क्वेश्चंस में। तो जैसा कि बेटा हमने लास्ट के तीन सेशन में देखा है कि हमने क्वेश्चन नंबर 135 तक हमने क्वेश्चंस को सोल्व किया और हमने देखा था कि क्या अप्रोच होना चाहिए एग्जाम में। और बेटा पास्ट ईयर क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम के हम इसलिए सोल्व करते हैं ताकि हमें ये पता लगे कि क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं, किस तरीके से पूछे जा रहे हैं और हमें अपनी तैयारी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ज्यादा पढ़नी है। तो बेटा लास्ट सेशन में मेरे को टेक्निकल टीम ने बताया कि क्वेश्चन नंबर 118 ठीक है उसका सॉल्यूशन उसमें नहीं जा पाया। तो आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 118 से। पहले हम उसको समझेंगे, उसके बाद फिर हम आज के सेशन को नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सो आज का बेटा जो क्वेश्चन नंबर 118 था इसमें क्या कह रहा है, तो लास्ट में आपने देखा भी होगा कि थ्री डिजिट नंबर हैज डिजिट्स एसटीयू। हमारे पास एक तीन डिजिट का नंबर है, वो ये बोल रहा है जिसकी डिजिट्स क्या है एसटीयू फ्रॉम द लेफ्ट और जिसमें एच क्या है एच इज ग्रेटर देन यू इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर दें तो बेटा आपको पता है कि अगर हम किसी भी तीन डिजिट के नंबर को रिवर्स करेंगे तो डिजिट इस तरीके से बनती है। कहना क्या चाह रहा है, एंड द नंबर दस फॉर्म इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर। रिवर्स करके जो नंबर बनाया हमने इसको पहले वाले में से माइनस कर दिया, माइनस करके जो तीन डिजिट का नंबर मिला उसमें क्या कहना चाह रहा है, उसकी आखिरी डिजिट क्या है बेटा, चार है। तो आपसे पूछा है कि बताओ अदर टू डिजिट्स ऑफ दैट नंबर विल बी, कि आखिर की जो बाकी दो डिजिट है वो नंबर की क्या होंगी। देखो यहां पे आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी तीन डिजिट का नंबर, मैंने आपको लास्ट सेशन में भी ये बात समझाई थी, किसी भी तीन डिजिट के नंबर को और उसके रिवर्स को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। अगर हम इसमें देखें तो 99 h माइनस यू, क्लियर है। इस बात का मतलब क्या था कि अगर एक तीन डिजिट के नंबर को और उसके रिवर्स को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 99 का मतलब क्या है कि वो हमेशा 99 से डिविजिबल होगा। अगर मैं इस तीन डिजिट के नंबर की बात करूं बेटा, इसकी आखिरी डिजिट क्या है, चार, तो ये तीन डिजिट का नंबर हमेशा क्या होगा, 99 से डिविजिबल होगा। और 99 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या था, मैंने आपको बताया था क्लास में कि राइट साइड से दो दो के पेयर बनाएंगे, एड करके आपस में उसको हम ऐड कर देंगे। अगर वो 99 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 99 से डिविजिबल होगा। आपको ये 99 का रूल पता होना चाहिए। अब बेटा इसमें अप्लाई करेंगे हिट एंड ट्रायल। हमने पहला ऑप्शन लिया, उसने बोला है कि बाकी डिजिट क्या क्या हो सकती हैं, 5 और 9। अगर आपने इसको 5 और 9 लिया तो ये नंबर कैसा होना चाहिए, 99 से डिविजिबल। और 99 से डिविजिबल करने के लिए रूल क्या है हमारे पास, कि आखिर के दो डिजिट के पेयर बनाओ। तो बेटा 94 और एक बच गया, छोड़ देंगे, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करा तो कितना आया, 99। क्या 99 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। मतलब आपका आंसर क्या हो गया इसमें, अल्फा हो गया। देखो ये बेसिक अप्रोच है जो आपको आनी चाहिए। बेटा लास्ट सेशन में ये एक्सप्लेनेशन उसमें नहीं आ पाया था, आई थिंक उसमें आधा आया था, कोई टेक्निकल उसमें ग्लिच हो गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 तक हम ऑलरेडी कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 136। देखो एलजेब्रा का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। और क्या कह रहा है, अ पर्सन बॉट 5 टिकट्स फ्रॉम स्टेशन पी टू स्टेशन क्यू एंड द 10 टिकट फ्रॉम द स्टेशन पी टू स्टेशन आर, ही पेड ₹350। इफ द सम ऑफ अ टिकट फ्रॉम पी टू क्यू एंड द टिकट फ्रॉम पी टू आर इज 42, देन व्हाट इज द फेयर फ्रॉम पी टू क्यू। आपको कुछ नहीं करना, लेट्स से उसने बोला है कि बेटा पी से क्यू और पी से आर, लेट्स से मान लेते हैं ये आर स्टेशन है और ये क्या है बेटा यहाँ पे पी टू क्यू स्टेशन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब उसने पी टू आर, अ पर्सन बॉट 5 टिकट्स फ्रॉम स्टेशन पी टू क्यू, बेटा पी टू क्यू में उसने 5 टिकट्स खरीदे, और अगर मैं बात करूं यहां से एंड 10 टिकट्स फ्रॉम पी टू आर, और पी टू आर उसने कितने टिकट खरीदे, 10 टिकट्स खरीदे। आप ये रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से कर सकते हो ताकि आपको क्वेश्चन आसान लगे। उसने आगे क्या बोला है कि ही पेड ₹350, उसने ₹350 पेड किए, इफ द सम ऑफ टिकट फ्रॉम पी टू क्यू एंड द टिकट फ्रॉम पी टू आर इज 42। अगर वो बोल रहा है कि पी से क्यू और पी से आर जाने के जो एक एक टिकट का समय वो कितना है 42, और टोटल बेटा उसने कितना सम दिया है 350। हम मान लेते हैं कि पी से क्यू जाने की जो टिकट की प्राइस है वो एक्स है, पी टू आर जाने की जो बेटा टिकट की प्राइस है वो कितना है वाई। तो अगर मैं दोनों टिकट का सम करूंगा तो उसकी वैल्यू कितनी की बिना क्वेश्चन में, 42। टोटल अमाउंट कितना पे किया, तो बेटा अगर पी टू क्यू एक टिकट के जाने की जो अमाउंट है वो x है तो 5 टिकट का कितना जाएगा 5x। अगर P2R एक टिकट के जाने का जो अमाउंट है y है तो बेटा 10 टिकट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10y, और टोटल उसने कितना अमाउंट पे किया है 350। उसने पूछा है व्हाट इज द फेयर बिटवीन P2Q, तो P2Q मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर बेटा x की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसमें y हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो y कितना है 10, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा बेटा 10x
प्लस 10y इज इक्वल टू 420। आपस में इसको माइनस कर देंगे, सोल्व कर देंगे, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे कितना बचेगा बेटा माइनस का 5x, और ये कितना हो जाएगा 70 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई यहां पे 14। बेसिक अप्रोच था एलजेब्रा का क्वेश्चन, और देखो ये क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व करने हैं। इसमें आप सोचोगे कि सर क्या ट्रिक लगाएं, कुछ लगाएं, बहुत मिनिमम टाइम इसमें आप लगा सकते हैं इसी तरीके से, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें क्या बोल रहे, दो ऑड इंटीजर्स हैं, ठीक है, उनको ऑल्टरनेट नंबर की मल्टीप्लाई हमारे पास गिवन है, एक्सीड्स 3 टाइम्स द स्मॉलर बाय 12। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे इसमें कि लेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, या मतलब कुछ सोचेंगे कि सर इसमें हम ऑड नंबर्स को लेट कर लेते हैं। इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे, अगर मैं ऑड नंबर्स की बात करूं, जैसे मैं अगर बेसिक लिखूं तो 1, 3, 5, 7, दीज आर दी ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, तो हम इनको लेट कैसे करते हैं। अगर मैं लेट करूंगा तो हम मानेंगे बेटा n, ठीक है, n प्लस 2, n प्लस 4, हम इस तरीके से इनको मानना। तो ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक छोड़ के, तो एक के बाद अगला ऑल्टरनेट बेटा ऑड कौन सा है, 5। तो आप देखो अगर आप दो ऑल्टरनेट ऑड को देखोगे उनके बीच का गैप हमेशा 4 होता है। तो अगर एक ऑड है n, ठीक है, तो बेटा दूसरा ऑल्टरनेट ऑड क्या होगा इसमें, n प्लस 4, वेयर n इज एन ऑड नंबर। तो उसने क्या बोला है कि इन दोनों की जो प्रोडक्ट है, तो n इंटू n प्लस 4, ठीक है, वो क्या बोल रहा है, एक्सीड्स 3 टाइम्स द स्मॉलर बाय 12। तो छोटे वाले का 3 गुना से कितना है वो बेटा, एक्सीड वो कितना कर रहा है, 12 कर रहा है। अब इसमें आप हिट एंड ट्रायल अप्लाई कर सकते हो, उसने पूछा है व्हाट इज द लार्जर नंबर, आप हिट एंड ट्रायल अप्लाई कर सकते हो, यहां पे आपको सॉल्व नहीं करना। लेट्स से अगर मैं पहला नंबर क्या 3 हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे n प्लस 4 कितना है 4, अगर मैं मिनिमम इसको 0 भी रखूंगा तो ये कंप्लीट क्या बन जाएगा, 0, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करा रहा। अगर मैंने 5 लिया, अगर बेटा बड़ा नंबर 5 है तो मतलब n की वैल्यू कितनी गई, 1, अगर n इज इक्वल टू 1 गया तो यहां पे पुट करेंगे हम 1 इंटू 5, क्या बेटा ये दोनों बराबर आएंगे, कितना गया, ये 15 है, 5 है, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड भी आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं 7 की बात करूंगा, अगर बेटा लार्जर नंबर 7 है तो मतलब n कितना गया, 4 प्लस 3, n की वैल्यू 3 है, तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू 7, दैट इज 21, क्या ये 21 आ रहा है। तो अगर यहाँ पे कितना जाएगा, 3 इंटू 9 प्लस 12 इक्वल टू 21, सेटिस्फाई करा गया, तो आपका आंसर क्या है इसमें, 4 ली। आपको ये बेटा इसमें बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप इसको इक्वेशन बना के सोल्व करो, यहां के जाने के बाद आपको आप में इसको आप में यहाँ पे हिट एंड ट्रायल अप्लाई करना है। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए था कि ऑल्टरनेट ऑड नंबर्स को हम लेट कैसे करते हैं, दैट्स इट, दैट इज द ओनली कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन। उसके बाद आप इसमें आसानी से अप्रोच कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 138 एपी का क्वेश्चन है ये। जितने भी एपी के क्वेश्चन होते हैं बेटा वो मिक्स करके आते हैं, ऐसे क्वेश्चन पहले आते थे अब नहीं आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड एंड एवरी टाइम इट हिट्स द ग्राउंड इट राइजेस टू अ हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रीवियस, व्हाट इज द हाईएस्ट, व्हाट इज द हाइट अटेन्ड आफ्टर इट हिट्स द ग्राउंड फॉर द 16th टाइम। देखो ऐसे क्वेश्चन में बेटा एपी और जीपी के क्वेश्चन होते हैं जो मिक्स करके आते हैं। लेट्स से ये ग्राउंड है हमारा, तो ग्राउंड से जो इसकी हाइट है वो कितनी है यहाँ पे, 64 मीटर, और जितनी बार भी बेटा वो नीचे मतलब उसको आ रहा है वो कितनी हाइट तक जा रहा है, वो हाफ ऑफ द प्रीवियस हाइट, यानी कि अगर मैं 64 मीटर की हाइट से इसको छोड़ूं तो यहां छोड़ने के बाद कितनी हाइट तक जाएगा, ये 64 का आधा, दैट इज 32। अगर मैं इस हाइट से इसको छोड़ू नीचे तो बेटा ये वापिस कितना जाएगा, फिर ये इसका आधा जाएगा, दैट इज 16। ये ग्राउंड है मेरा, अगर यहां से मैं इसको छोड़ूं तो नीचे से कितना जाएगा, फिर ये इसका आधा, दैट इज 8। इसको आगे छोड़ेंगे तो इसका आधा जाएगा, दैट इज 4, एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू रहेगा। कहां तक जाएगा ये, अगर इनफाइनाइट तक भी बोलेगा तब भी ऐसे ही आएगा। उसने पूछा है 16th टाइम में, बेटा देखो पहली बार में किस साइड तक गया 32, दूसरी बार में किस साइड तक गया 16, तीसरी बार में किस साइड तक गया 8। तो आपसे ये पूछना चाह रहा है, मतलब बेटा फर्स्ट टर्म कितनी है 32, सेकेंड टर्म कितनी है 16, इसके बाद कितना है 8, 4, एंड सो ऑन, आपसे पूछा है 16th। अब एक बार बताओ ये क्या बन रहा है, ये एपी बना या फिर जीपी बना। आपको पता है कि अगर डिफरेंस टर्म्स का सेम होता है
अगर 16-32 8-16 अगर बराबर होता तो क्या बनता एपी, लेकिन अगर सेकंड अपॉन फर्स्ट, फर्स्ट अपॉन सेकंड अगर बेटा बराबर होता है जिसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो, तो क्या बनता है वो जीपी बनता है। तो बेसिकली देखो 16/32 1/2, 8/16 1/2, 4/8 1/2, यहां से समझ आया कि ये क्या बन रहा है, एक जीपी का फॉर्मेशन कर रहा है। और बेटा जीपी का एनेट्रम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, ए की पावर आर की पावर एन माइनस वन। तो nth टर्म कौन सी फाइंड करनी है मेरे को, 16 टर्म जिसमें a क्या है 32, r की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 16-1 15। हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा जैसे आगे क्या है बेटा, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 5, और मैं 2 को अंदर लेके जाऊंगा इनटू, तो कितना गया 2 की पावर -15। तो सॉल्व करके क्या आएगा बेटा 2 की पावर -10। तो 2 की पावर -10 किस ऑप्शन में है, चार्ली ऑप्शन में आपका आंसर। ऐसे क्वेश्चंस पहले बहुत आते थे, जैसे अगर मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करूं और इनफाइनाइट तक जाऊं, क्वेश्चन बनता था ऐसा। अगर मैं एक स्क्वायर के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके इनफाइनाइट तक जाऊं, ठीक है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, उसके एरिया का सम बताओ, पैरामीटर का सम बताओ, ऐसे क्वेश्चन एपी और जीपी में बेटा बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 log 5/8 प्लस log 128/1। अब आपको याद होगा लास्ट के 3 सेशन में हमने log के सारे रूल बेटा देखे थे, बेसिक रूल अप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। हम इसको लिखेंगे, मैं डायरेक्ट आपको आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, ठीक है, आपको याद होनी चाहिए। तो बेटा log a अपॉन b को मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप देखोगे log a माइनस बी, और log a माइनस बी का जब 2 की पावर 3 जाएगा, 3 मल्टीप्लाई करूंगा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, वो आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए। मैं फिर भी इसमें लिख देता हूं, तो ये क्या बनेगा बेटा ब्रैकेट के अंदर log 5 माइनस log 8 प्लस, तो log a अपॉन बी, तो उसको मैं क्या लिखूंगा बेटा log 128 माइनस log 125 प्लस, इसको हम क्या लिखेंगे log 5 माइनस log 2। क्लियर है मेरी बात। अब इसको लिखेंगे 2 की पावर 3, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे कितना आएगा, ये 2 log 5 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3, कितना गया ये 6 log 2 प्लस 128 का मतलब क्या होता है, तो ये दिख रहा है आपको 2 की पावर है, ठीक है, 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64 × 128 मतलब 2 की पावर 7, तो कितना जाएगा ये 7 log 2 माइनस 5 की पावर 3, तो मैं यहां पे लिख देता हूं उसको, ये कितना जाएगा बेटा 3 log 5 प्लस log 5 माइनस log 2। बस सॉल्व करना था हमें, ये कितना है 2 log 5, ये कितना है बेटा 3 log 5, ये कितना यहां पे हमारे पास log 5, सबको ऐड किया तो मेरे पास कितना आएगा ये, तो बेटा 3 और 1 4 और 2 6, तो मेरे पास कितना गया ये 6 log 5, यहां पे देखो 6 log 2, यहां पे ये 6 और ये 6, तो कितना जाएगा आपस में ये कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे ये बन जाएगा बेटा, देखो ये कितना है माइनस का 6, ये प्लस का 6, आपस में क्या हो जाएगा ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा इससे, देखो ये कितना है 2 log 5, ये कितना है log 5, तो log 5 2 log 5, ये कितना है माइनस का 3 log 5, आपस में क्या हो जाएगा सारा कैंसल आउट, तो मतलब क्या बना मेरे पास 0 बना। क्लियर है, आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, अब ये हो सकता है कि बेटा जब आप क्वेश्चन को रीड करोगे तो आपको लैंग्वेज में इशू आएगा, एक बार आप लैंग्वेज पढ़ोगे हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन कभी भी अगर एग्जाम में आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे कि आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, आप उसका जो हिंदी का बेटा उसका काउंटर पार्ट होता है उसको पढ़ो, जो हिंदी की लैंग्वेज उसको पढ़ो, आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ द यूनिट ऑफ वेट इज 15.4 kg, मतलब एक यूनिट का वेट कितना है, वो यूनिट कुछ भी हो सकती है बेटा, एक यूनिट का वेट है 15/4 kg, व्हाट नंबर विल 3/2 quintal रिप्रेजेंट, मतलब 3/2 quintal यूनिट की फॉर्म में किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो पहले यहां से 1 kg की वैल्यू निकालो, तो बेटा अगर मैं 1 kg की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा, 1 kg की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा 4/15 यूनिट, मुझसे कुछ ना पूछा है क्विंटल में, आपको पता होना चाहिए बेटा अगर मैं 1 quintal की बात करूंगा तो 1 quintal में 100 kg होते हैं, ठीक है, 3/2 quintal की अगर मैं बात करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 150 आएगा बेसिकली, ठीक है, क्योंकि मैं इसको लिखूंगा 1 + 1/2, तो 1 quintal तो पूरा आ गया और फिर आधा क्विंटल, तो इसका मतलब 150 kg में मुझसे पूछ रहा है कि यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, तो 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 × 150, कितना आएगा ये 40, क्या बेटा 40 ऑप्शन में है, नहीं है, इसका मतलब आंसर क्या है आपका इन दोनों ऑफ दीज। तो बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसा नहीं है, बस आपको लैंग्वेज समझना है, अगर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है आप उसके हिंदी वाले क्वेश्चन को पढ़ो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इफ वी डिवाइड अ पॉजिटिव नंबर बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर व्हाट इज द रिजल्टिंग नंबर। अब देखो अगर आप किसी भी पॉजिटिव नंबर को दूसरे पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो बेटा नंबर हमेशा कैसा आएगा, रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, ध्यान रखना बस बेस में क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमारा पहला ऑप्शन है ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, नहीं हो सकता, हमेशा नहीं होगा, एक नेचुरल नंबर आएगा लेकिन हमेशा नहीं आएगा। इट इज ऑलवेज एन इंटीजर, इंटीजर होगा लेकिन ऑलवेज की वजह से ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। इट इज एन इरेशनल नंबर, सॉरी इट इज अ रेशनल, रेशनल हमेशा होगा, फिर चाहे वो इंटीजर की फॉर्म में हो फिर चाहे वो एक नेचुरल नंबर की फॉर्म में हो। इट इज एन इरेशनल नंबर, नॉट नेसेसरी, कभी नहीं होगा। मतलब आंसर क्या है बेटा इसका, चार्ली। अब देखो जब ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो कि आपको क्वेश्चन लैंग्वेज पढ़ती समझ में आए कि आंसर क्या है। अब वहां पे आप ये नहीं कर सकते कि इसमें सोचने बैठे हैं आप, इसको लिखने बैठ गए नंबर्स को कि यार अच्छा हम डिवाइड करके देखते हैं, इसको हम लिख के देखते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको एग्जांपल की फॉर्म में समझना है, बेटा मैंने 1 को 2 से डिवाइड किया कितना है मेरे पास, एक फ्रैक्शन आया, दैट इज अ रेशनल नंबर। मैंने 4 को 2 से डिवाइड किया कितना आया, 2, व्हिच इज अ इंटीजर एंड व्हिच इज आल्सो अ नेचुरल नंबर। अगर आपको एग्जांपल की फॉर्म में करना है तो आप एग्जांपल की फॉर्म में भी उसको आप कर सकते हो सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर विद यूनिट डिजिट 7 एंड डिविजिबल बाय 11। ऐसे 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे बताओ जिसकी आखिरी डिजिट तो 7 हो लेकिन वो 11 से डिविजिबल हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करने का तरीका देखो बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला मैं आपको बता रहा हूं जो हर जगह एप्लीकेबल होता है और ये मेथड आपको आना चाहिए। देखो एक 3 डिजिट का नंबर है जिसकी आखिरी डिजिट क्या है, 7 मान लेते हैं, तो इसकी बाकी दो डिजिट क्या है, अपनी मर्जी से मान लो एक्स और वाई। अगर ये 3 डिजिट का नंबर हो, ये क्या है 11 से डिविजिबल है, तो बताओ कितने नंबर होंगे। तो देखो बेटा अगर 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होगा तो हम कैसे निकालते हैं, ऑल्टरनेट नंबर के पेयर बना के ऐड करेंगे, मतलब एक्स प्लस 7 में से क्या माइनस करेंगे, वाई माइनस करेंगे। तो बेसिकली मेरे पास क्या बना, 7 प्लस एक्स माइनस वाई। हमने क्या देखा था, 11 की डिविजिबिलिटी रूल ये बोलती है कि ऑल्टरनेट पेयर बना के जब हम माइनस करेंगे ना तो या तो ये क्या आ जाए, या तो आ जाए 0 या फिर क्या आ जाए 11 या क्या आ जाए 22, मतलब इसमें से कुछ भी आ जाए तो वो नंबर हमेशा 11 से डिविजिबल होगा। बेटा 7 में क्या ऐड करूं कि वो 11 से डिविजिबल हो जाए, मतलब यहां पे 11 बनाने के लिए यहां पे क्या होना पड़ेगा, 4 होना पड़ेगा। आपको इस तरीके से दिमाग लगाना है कि 7 में क्या ऐड करूं कि ये 11 से डिविजिबल हो जाए, तो आपने देखा कैसा 4 ऐड करना पड़ेगा। तो 4 बनाने के लिए x माइनस वाई को 4 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बेटा इसको लिखूंगा 9, इसको लिखूंगा 5, क्योंकि 9 में से 5 गया 4, 7 प्लस 4 11, मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल हो गया है। देखो ये अप्रोच आपकी आनी चाहिए, इसका दूसरा भी मेथड है लेकिन ये अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। बेटा 8 में से 4 माइनस करेंगे, 7 में से 3 माइनस करेंगे, 6 में से 2 माइनस करेंगे, 5 में से 1 माइनस करेंगे और 4 में से 0 माइनस करेंगे। ठीक है, वाई तो बेटा 0 हो सकता है, एक्स नहीं हो सकता, मतलब ये मेरे पास नंबर्स हैं जो मुझे क्या दे रहे हैं, जहां पे ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। दूसरा बेटा 0 भी तो हो सकता है ये, और 0 कब बनेगा, जब एक्स माइनस वाई क्या है मेरे पास, माइनस का 7, तो यहां पे माइनस का 7 लाने के लिए अगर मुझे यहां पे बेटा माइनस का 7 चाहिए तो मैं इसको अलग पेन से लिख देता हूं। तो माइनस का 7 कब आएगा, जब ये वाली टर्म बड़ी हो जाए और ये वाली टर्म छोटी हो जाए। लाइक कि अगर मैं इसको लिखूं 2, मतलब x को लिख रहे हैं 2 और y को क्या लिखा हमने, 9, तो बेटा 2 में से 9 गया माइनस का 7, माइनस का 7 प्लस का 7 क्या बन जाएगा, 0, तब भी ये क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। इसके बाद अगर मैं करूं यहां पे क्या आएगा बेटा, यहां पे 1 में से क्या माइनस करेंगे, 8, और तीसरा क्या आएगा, 0 में से 7। लेकिन क्या x बेटा 0 हो सकता है, ठीक है, x 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x 0 हो गया तो वो नंबर कैसे बन जाएगा, 2 डिजिट का नंबर। हमें नंबर कैसे चाहिए क्वेश्चन में, 3 डिजिट के नंबर, तो ये वैल्यू यहां पे नहीं हो सकती, दैट इज योर आंसर। तो मेरे पास कितनी वैल्यूज आई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो बेटा मेरे पास ऐसे 3 डिजिट के कितने नंबर हैं जिनकी आखिरी डिजिट 7 है, जो 11 से डिविजिबल है। ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं लेकिन ये अप्रोच है जो आपको पता होनी चाहिए, तो द आंसर इज 8। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर देखो बेटा ये तो आपको आना ही चाहिए, अगर ये नहीं आता। अब ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप मेथड नंबर 2 को अप्लाई कर पाते हो एग्जाम में या नहीं कर पाते, ये आपके ऊपर है। जैसे आपने देखा कि सर अगर आखिरी डिजिट 7 आ रहा है तो कब पॉसिबल है, इसका मतलब जब मैं 11 में ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करूं जिसके लास्ट में क्या आ रहा है, 17, मतलब 7 आ रहा है। जैसे तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा ऐसा, 07,
या अगर मैं 7 की बात करूं सिर्फ, अगर मैं 11 में 7 की मल्टीप्लाई करूंगा तो आखिरी डिजिट कैसी आ रही है 77, लेकिन मुझे तीन डिजिट का नंबर चाहिए, मुझे दो डिजिट का नहीं चाहिए, तो मैं कहां से काउंट करूंगा 17, कहां तक जाऊंगा बेटा ऐसे देखो 27, और ऐसा कहां तक जाऊंगा 90. अब देखो यहां पे कंसेक्यूटिव नंबर आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 9 तक, बस आपको क्या चेक करना है कि क्या 11 × 97 पे तीन डिजिट का नंबर दे रहा है. तो आप देखोगे जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा एक चार डिजिट का नंबर आएगा. कैसा आएगा ये चार डिजिट का नंबर. अब देखो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि आपको ये एग्जाम में समझ आता है या नहीं आता. बाकी बेटा बेसिक मेथड ये है, अगर आप इसमें अप्रोच करना चाहते हो तो ये भी अप्रोच कर सकते हो कि भाई अगर मैं आखिरी डिजिट 7 है तो कब आई होगी, जब उस 11 में एक ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करूं जिसके आखिर में 7 आया होगा. 7 कहां कहां पे आता है 0, 7, 1, 7, 2, 7, कहां तक जाएगा 97 तक. क्या इसके अलावा और कोई नंबर है? बिल्कुल भी नहीं. हम इसको काउंट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जब 11 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो डिजिट का नंबर आएगा, हमें कितने चाहिए तीन डिजिट के. 97 हमने क्यों काउंट नहीं किया? क्योंकि जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक चार डिजिट का नंबर आएगा. तो मतलब बेटा हम कहां तक गए 87 तक गए. यही नंबर कैसे है जो मुझे तीन डिजिट का नंबर देंगे 1 से लेकर 8 तक, तो कितने नंबर आए मेरे पास 8 आए. आप ये भी दिमाग लगा सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या बोल रहा है. What is the sum of positive integer less than 100 which leaves a remainder 1 when divided by 3 and leaves a remainder 2 when divided by 4? तो जिन बच्चों ने पहला और दूसरा सेशन देखा है बेटा उनको ये बात समझ में आ रही होगी कि अगर बोला है divided by और एक नंबर है, मतलब आपको काम करना होता है डिविजिबिलिटी पे, लेकिन अगर उसने एक से ज्यादा नंबर दे दिया तो हम काम किस पे करते हैं LCM और SCFA. Divides the हुआ तो SCF, divisible by हुआ तो LCM. अब उसने बोला है ऐसे सब नंबर का सम बताओ जो 100 से छोटे हैं लेकिन विच लीव्स अ रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 3, जब 3 से डिवाइड करूं तो एक रिमाइंडर आ जाए. ध्यान से सुनना इस चीज को. और अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो दो रिमाइंडर आ जाए. डिवाइडेड बाय मतलब LCM. और यह भी बताया था आपको कि अगर अलग अलग LCM होते हैं तो बेटा नंबर और LCM का डिफरेंस देखो, 3 और 1 का डिफरेंस 2, 4 और 2 का डिफरेंस 2. क्या करना है हमें LCM निकाल के, तो बेटा 3 और 4 का किससे डिविजिबल चाहिए 3 और 4 से, तो 3 और 4 का LCM कितना आ गया 12 into n. क्या माइनस करेंगे जो रिमाइंडर और नंबर के बीच की कांस्टेंट वैल्यू है. तो ये पहला नंबर है. देखो नंबर कैसे निकालते हैं, अगर मैं n इज इक्वल टू रखूं बेटा 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट, अगर मैं n इज इक्वल टू रखूं 1, मैंने आपको क्लास में बताया था कि भाई LCM निकाल के जो कांस्टेंट उसको माइनस कर देंगे वो सबसे छोटा नंबर होता है. ठीक है, जैसे बेटा 4 × 12, 12 में से 2 माइनस किया तो सबसे छोटा नंबर क्या आ गया 10. तो आप अगर और नंबर फाइंड करने हैं तो यहां पे n इनटू करके इस फॉर्मेट में नंबर को लिखेंगे, n की वैल्यू अपनी मर्जी से हम चेंज करते रहेंगे. जैसे मैंने बेटा n इज इक्वल टू रखा 1, तो पहला नंबर ऐसा कौन सा होगा 10. अगर मैं यहां पे रख रहा हूं n इज इक्वल टू 2, तो 12 × 24, 24 में से 2 गया बेटा कितना आया 22. ऐसे ही मैंने रखा n इज इक्वल टू 3, तो 12 × 36 में से 2 गया कितना गया बेटा 34. ये आपको नंबर दिखने शुरू हो जाएंगे. अब आप दिमाग लगाओ कि लास्ट नंबर क्या रखें, क्योंकि मुझे कहां चाहिए बेटा 100 से छोटा. तो आपको पता है 12 × 96, तो 96 में से अगर मैं 2 माइनस करूंगा, क्लियर है, अगर 96 में से 2 माइनस किया तो बेटा n इज इक्वल टू 8 रखने पे क्या मिला 96 में से 2 गया 94. क्योंकि अगर 9 रखूंगा तो नंबर कैसा जाएगा 100 से बड़ा, लेकिन हमें कहां तक चाहिए सिर्फ. तो देखो नंबर कितने हुए, ऐसे मेरे पास अगर क्वेश्चन पूछता कितने नंबर हैं तो n 1, 2, 3 कहां तक 8 तक, मेरे पास 8 नंबर है. नंबर नहीं पूछा इस बार, क्या पूछ लिया उन सबका सम बताओ. तो बेटा देखो गैप देखो इनका कितने का 12 का, कितने का 12 का, इसका मतलब क्या बन रहा है AP बन रहा है. और बेटा सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकालते हैं AP में, तो आपको याद होगा n अपॉन 2 और a प्लस l, ये AP का फॉर्मूला है जब हम सम ऑफ n टर्म्स निकालेंगे. तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी यहां पे 8, तो 8 का आधा पहली टर्म कितनी है 10 बेटा, लास्ट टर्म कितनी यहां पे 94. तो कितना हो जाएगा ये 4 × 104, दैट इज इक्वल टू 416. तो अल्फा इज द आंसर. आई होप आपको ये समझ में आया होगा बेटा. अगर आपने लास्ट के सेशन देखे हैं, मैंने आपको उसमें भी समझाया है, सबसे छोटा नंबर निकालने के लिए n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, लेकिन अगर और निकालने हैं तो n की वैल्यूज को हम पुट करते रहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है इसमें कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर which when divided by 42, 72, 84 leaves the remainder 25, 55 and 67. Same question है. उसने क्या बोला है? Divided by 1, 2, 3 नंबर से बोला है. मतलब LCM find करेंगे. अब remainder अगर अलग-अलग होता है, मैंने क्या बताया था?
कि नंबर और रिमाइंडर, बेटा 42 और 25 का डिफरेंस कितना है 19, 72 और 55 का डिफरेंस कितना है 19, 84 और बेटा 67 का डिफरेंस कितना है, तो आप देखोगे इसमें 19, कितना डिफरेंस है यहां पे 17 डिफरेंस, ओके सॉरी 17 डिफरेंस है, डिफरेंस क्या इनका देखो बेटा 25 में कितना है यहां पे 42 का और 25 का डिफरेंस कितना है 17 का डिफरेंस है, ठीक है। तो इसका मतलब डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है, वो कितना है 17। तो हमेशा इस केस में आंसर क्या होता है कि एलसीएम निकाल के 17 माइनस कर देंगे। तो बेटा यहां पे देखो, अगर मैं देखूं 42, 72 और 84 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो फैक्टर्स ब्रेक कर लेते हैं। देखा हमें दिखा 7 6 42, ठीक है, यहां पे हमें दिख रहा है बेटा 12 6 72 और 12 7 84। तो अगर मैं इसको भी ब्रेक करूंगा 3 into 2, ये कितना चले जाएगा बेटा 4 into 3, ये भी कितना चले जाएगा 4 into 3, तो हमें सबसे ज्यादा 7 7 दिखा, ठीक है। अब अगर मुझे देखना चाहूँ यहाँ पे 3 कहाँ दिख रहा है मेरे को, 4 3 12 4 3 12, 3 2 9 है, तो बेटा 3 आ जाएगा यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ, अच्छा इसको एक साथ ब्रेक ही कर लेते हैं पूरा, ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो, ताकि इसको पूरा सही से ब्रेक कर लेते हैं, तो 7 into 2 into 3, इसको हम क्या करेंगे 2 into 3 4 3 12, तो बेटा एक तरीके से गया 8 9 72, तो ये जाएगा 2 की पावर 3 3 का स्क्वायर, ये कितना जाएगा बेटा 2 की पावर 2 into 3 into 7। तो हमें क्या करना होता है, सबसे ज्यादा पावर 7 7 में दिख रहा है, 2 कहां दिखा है बेटा 2 की पावर 3 और हमें 3 का दिखा है यहाँ पे, तो ये कितना जाएगा 8 9 72, तो 7 2 14 का 4 कैरी 1, 7 7 49 कितना गया बेटा 50, 504। लेकिन 504 आंसर नहीं होगा, इसमें से क्या माइनस करेंगे हम यहाँ पे 17 को माइनस करेंगे, क्योंकि इनका डिफरेंस क्या है बेटा 17 आ रहा है, तो 17 को इसमें हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, 17 को माइनस करेंगे तो कितना जाएगा बेटा यहाँ से, देखो 504 से छोटा एक ही नंबर है डेल्टा, आपको माइनस भी नहीं करना, आपने क्या देखा कि भाई 504 में से 17 माइनस करना है, बाकी तो सीधी सी बात है 504 से बेटा छोटा ही नंबर आएगा, कितने ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में डेल्टा आपका आंसर, लेकिन अगर आप माइनस भी करोगे तो कितना आएगा 487। आपको मतलब छोटी छोटी बातों में दिमाग लगाना है, आपको देखना है कि यार जैसे आपको इसमें देखा, ये नहीं कि आप सोल्व कर रहे हो, दिखा आपने कि यार एक ही ऑप्शन है आंसर, आपको इस तरीके से अप्रोच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एक बार इसको सोल्व करो, क्या बोल रहा है वो कि द नंबर अंडर रूट 0.0001 इज कैसा नंबर है, वो एक रेशनल नंबर है जो कि लेस देन इतना है, तो अगर हम इसमें सोल्व करेंगे तो देखो आपको कैसे करना है, हम इसको लिख लेते हैं कि अगर पॉइंट हटाऊंगा बेटा तो क्या बनेगा 1 upon 1 2 3 4, क्योंकि डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो ये नंबर आएगा, तो ये नंबर क्या बनेगा 1 upon, ठीक है बेटा 10 का स्क्वायर बनेगा अंडर रूट के बाद, और अगर 10 का स्क्वायर बना इसका मतलब कितना हो गया 1 upon 100 एंड दैट इज 0.01। अब ये बताओ कि ये सोल्व करके क्या आया, ये सोल्व करके आया मेरा 0.01 या बेसिकली 1 upon 100, इसको हम क्या बोलेंगे, तो 1 upon 100 एक कैसा नंबर है, 1 upon 100 एक रेशनल नंबर है, कैसा नंबर है, तो उसने बोला रेशनल नंबर लेस देन थोड़ी ना है, उसके बराबर है, पहला ऑप्शन गलत हो गया, क्या एक रेशनल नंबर होगा, बिल्कुल है, इरेशनल नंबर नहीं है, नाइदर रेशनल नॉर इरेशनल ये भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा इसका ब्रावो। आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि टफ क्वेश्चन था, उसने क्या बोला देखो विच वन ऑफ द लार्जेस्ट अमंग द फॉलोइंग, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसमें दिमाग लगाओगे तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं इसमें इसको कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं, आपको इसमें कन्वर्ट नहीं करना, आपको ध्यान कैसे देना है बेटा, पहला ऑप्शन देखो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया 0.725, इसके बाद देखो सम में 725 है, तो यहां पे जो डिजिट आएगी ना बेटा आगे की जो डिजिट है वो डिसाइड करेगी कि वो इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है कौन सा सबसे छोटा है, तो 725 इसके बाद में क्या यहां पे 0, इसमें 25 रिपीट कर रहा है तो बेटा अगली टर्म क्या आएगी 2, इसमें 5 रिपीट कर रहा है तो अगली टर्म क्या आएगी 5, इसमें क्या रिपीट कर रहा है 7, तो अगली टर्म क्या आएगी, इसका मतलब अगर कभी भी डेसिमल के बाद बेटा इसमें डिजिट सेम होती है तो जहां तक सेम है एज इट इज रखो, उसके सेम के बाद जो अगली डिजिट होगी ना उसमें जो सबसे बड़ा है वो डिसाइड करेगा कि वो नंबर बड़ा है या छोटा है, तो बेटा सबसे बड़ी जो डिजिट है जो 3 सेम के बाद, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, तो सबसे बड़ी डिजिट हमारी किस ऑप्शन में है डेल्टा में, तो डेल्टा इज द लार्जेस्ट अमंग द फॉलोइंग। आपको इस क्वेश्चन पे इतना ही टाइम लगाना था, ये नहीं कि आपको यहाँ पे इसको कन्वर्ट करके बैठ के और सोल्व करना है इसको, ठीक है, ऐसा नहीं करना था हमें यहाँ पे। अगेन देखो अब ये क्वेश्चन होते हैं बेटा ऑब्जर्वेशन के,
आपको लगता है कि सर ऐसे क्वेश्चंस को क्या अप्रोच करें, इसमें अप्रोच सबसे बढ़िया है कि वैल्यू पुटिंग रखो, ऑब्जर्वेशन रखो, ऐसे क्वेश्चंस को आप सोल्व करके जाओ पहले से ही, ताकि आपको आइडिया रहे कि कब वैल्यू को लेट करना है, किस वैल्यू को लेट करना है, कैसे लेट करना है। उसके लिए आपको बेटा पहले ही पास्ट ईयर को सोल्व करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करके जाओ, तभी ये अप्रोच आपके अंदर डेवलप होगी, ताकि आप क्वेश्चन पे अप्रोच कर पाओ। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ एम एन एन आर टू इंटीजर सच दैट एम इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एन then m square minus 2m is always divisible by, तो इंटीजर बोला है ना, सबसे छोटे इंटीजर पे काम करो। जब कभी भी बेटा अगर डिविजिबल का क्वेश्चन आएगा, जो भी गिवन कंडीशन होगी उसमें सबसे छोटी वैल्यू पे काम करेंगे। तो सबसे छोटा इंटीजर क्या है मेरे लिए, एक तरीके से पॉजिटिव में देखूंगा 1, नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव में देखूंगा 0, और अगर नेगेटिव में देखूंगा तो -1, क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि कैसे इंटीजर है। लेट्स से बेटा मैंने एन की जगह रखा 1, आपको दिख रहा है तो 1 स्क्वायर माइनस 1 0, यानी कि m की वैल्यू क्या है 0, और 0 एक ऐसा नंबर है जो हर किसी नंबर से डिविजिबल होगा। आपने यहां पे रखा n इज इक्वल टू 2, तो अगर n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो m की वैल्यू कितनी आई, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2। अगर m इज इक्वल टू 2 है, किसका पूछा है बेटा, m स्क्वायर माइनस 2m, तो 2 दुनी 4 माइनस 4, ये भी कितना आया 0, और 0 एक ऐसा नंबर है जो हर किसी नंबर से डिविजिबल होता है। ठीक है, अभी तक कोई भी आंसर हो सकता है। अब हमने पुट किया बेटा n इज इक्वल टू 2, अगर मैं n is equal to 2 पुट करूंगा तो m की वैल्यू क्या आएगी, तो बेटा अच्छा m 2 देख चुके हैं, अब m रखेंगे इसमें 3, तो 3 थी 9 माइनस 3, दैट इज m is equal to 6। अगर m की वैल्यू 6 है तो देखो यार बेटा 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 दुनी 12, माइनस करेंगे तो सॉल्व करके बेटा कितना आएगी, ये आएगा मेरे पास 24। यानी कि जब मैंने सबसे छोटे इंटीजर पे काम किया तो या तो मुझे क्या मिला 0, और 0 एक ऐसा नंबर है जो हर किसी नंबर से डिविजिबल होगा, उसके बाद क्या मिला 24। इसका मतलब बेटा m स्क्वायर माइनस 2m हमेशा किससे डिवाइड होगा, जो भी सबसे छोटे इंटीजर पे आपको वैल्यू मिली है उससे हमेशा डिविजिबल होता है। ये ऑब्जर्वेशन है आपकी। अब सबसे छोटा इंटीजर क्या मिला मेरे को, 24, 0 के बाद, मतलब आंसर क्या बेटा इसमें 4। ठीक है, इन क्वेश्चंस पे बेटा इसी तरीके से अप्रोच करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप इसको लेस देन 30 सेकेंड्स में अप्रोच कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग देखना है, आपको बस ये देखना है कि आपको इंग्लिश कितनी आती है। ये क्वेश्चन बेटा एक तरीके से मैथमेटिक्स का नहीं है, आपको इंग्लिश की कितनी समझ है आपको इसमें ये देखना है बस। उसने क्या बोला है, आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ, ठीक है, स्वेंस 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर आर स्विमिंग इन द पूल व्हाइल द टू रिमेनिंग आर प्लेइंग आउटसाइड द पूल। ठीक है, मतलब जो भी मेरे पास एक ग्रुप है, ठीक है बेटा, जो स्वेंस का जो ग्रुप है उसका 7/2 टाइम्स जो है स्क्वायर रूट का, वो कहां पे है, वो स्विमिंग कर रहे हैं पूल में, बाकी कहां है, द टू आर रिमेनिंग। ठीक है, टू रिमेनिंग आर प्लेइंग आउटसाइड द पूल, और दो कहां है, पूल के बाहर। ठीक है, जो भी मेरे पास है, या तो आप इसमें लेट करके करो। देखे, जैसे मान लेते हैं कि बेटा जो ग्रुप है, ठीक है, स्वेंस का, वो एक्स है, तो उसने क्या बोला है कि एक्स 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। ठीक है, इस नंबर के स्क्वायर रूट का 7/2 टाइम्स कहां पे है बेटा, स्विमिंग में है। ठीक है, पूल में क्या कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, बाकी जो दो का है बस, तो बचा कितना, एक तरीके से टोटल कितना बचा बेटा यहां पे, एक्स में से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो क्या आएगा मेरे पास, यहां पे 2 आ जाएगा। तो ये जो नंबर है, अगर मैं इसको एक्स में से माइनस कर दूं तो मतलब बाहर कितनी यहां पे 2 है, वो ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में। तो एक तरीका तो ये था कि आपने इक्वेशन बनाई, अब आपको उसको बेटा ऑप्शन से सॉल्व करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि हिट एंड ट्रायल अगर करना ही है बेटा, एक बार बताओ, जो भी नंबर रहा होगा, अगर मैं उसको स्क्वायर रूट ले रहा हूं और स्क्वायर रूट लेने के बाद मेरे पास एक इंटीग्रल नंबर आ रहा है 2, इसका मतलब ये जो नंबर रहा होगा अंडर रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर रहा होगा, वो किसी ना किसी नंबर का। कितने ऑप्शन में है, सिर्फ पहले में और डेल्टा में, मतलब ना तो बी आंसर होगा ना इसमें सी आंसर होगा। आप डेल्टा को चेक करो, क्योंकि 4 आपको दिख रहा है, 2 नहीं आएगा, मतलब अगर टोटल नंबर ऑफ स्वेंस बेटा 16 है तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, इसका स्क्वायर रूट आएगा 4, इसके स्क्वायर रूट का 7/2 तो कितना आएगा ये 14, मतलब 14 कहां पे है, बाहर प्ले कर रहे हैं। आपने नंबर क्या माना 16, तो 16 में से 14 गया, मतलब बेटा बाहर कितने प्ले कर रहे हैं, 2 प्ले कर रहे हैं, मतलब हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करा रहा है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, डेल्टा। आप यहां पे भी इसको बेटा पुट कर सकते हैं, देखो 16 माइनस अंडर रूट लिया कितना आएगा 4 इंटू 7/2 14, तो 16 माइनस 14 क्या 2 के बराबर है, बिल्कुल है। आपके ऊपर है कि आपको इसमें कितनी अंडरस्टैंडिंग है, आपको कैसे अप्रोच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल रहा है बेटा,
A railway ticket for a child cost half the full fare, but the reservation charge is the same as on the half ticket as much as on the full ticket. One reserve first class ticket for a journey between two station is rupees 362. One full and one half reserve first class ticket cost 555 for what is the reservation charge. तो को मान लेते हैं कि बेटा जो फुल टिकट है और जो हाफ टिकट है, ठीक है, फुल टिकट की कॉस्ट है x, तो बेटा हाफ टिकट कितना होगा उसका, x by 2. लेकिन वो ये बोल रहा है कि जब आपने एक फुल टिकट को और एक हाफ टिकट को अगर आप रिजर्व कर रहे हो तो दोनों की कॉस्ट कैसी है, सेम. तो मान लेते हैं कि जो फुल टिकट की बेटा रिजर्वेशन कॉस्ट है वो कितनी है, वाई, और हाफ टिकट की भी कितनी है, क्योंकि दोनों की सेम है. अगर कोई बंदा बेटा एक जो फर्स्ट क्लास टिकट है उसके लिए कितना पे करता है, 362 रुपए. इस बात का मतलब क्या हो गया कि भाई उसमें जो x तो उसकी कॉस्ट है प्लस रिजर्वेशन चार्ज कितना है उसका y, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 362. लेकिन अगर कोई बंदा एक फुल टिकट और एक हाफ टिकट, तो बेटा एक फुल टिकट की कीमत कितनी हो गई, x प्लस y. हाफ टिकट की कीमत कितनी है, x बाई 2, लेकिन जो रिजर्वेशन चार्ज है वो तो सेम है, जिसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 554. आपको दिख रहा है कि अगर मैं x प्लस वाई यहां पे पुट कर दूं डायरेक्ट, तो बेटा मेरे पास क्या जाएगा, ये x अपॉन 2 प्लस वाई इज इक्वल टू डायरेक्ट माइनस कर दो 362, और यहां लिख दो कितना जाएगा, 2 यहां पे गया बेटा, 9 और 6 15, 4 में 3 गया 1, 192. आपसे क्या पूछा है, रिजर्वेशन चार्ज, तो आप इसमें लिख लेना x प्लस 2y इज इक्वल टू 384. मुझे y निकालना है तो x को बेटा एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो आप ऐसे करोगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 362, आप सोल्व कर दो, माइनस कर दो, ये कैंसल आउट हो जाएगा, 2y में से y गया y, और यहां से माइनस करोगे तो कितना आएगा बेटा, ये 22 आ जाएगा. मतलब जो हमारा रिजर्वेशन चार्ज है वो कितना है, 22 रुपीज है. अब ये एल्जेब्रा के क्वेश्चन है बेसिकली, इनको हम बोलते हैं बेटा जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है. यहाँ पे आपको एक लैंग्वेज बनाना है, एक उसकी एक कंडीशन गिवन होगी, उसको आपको फ्रेम करना है और फ्रेम करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है. बहुत बच्चों को जो इस क्वेश्चन में दिक्कत आती है बेटा, लैंग्वेज में आती है, कि उनको लैंग्वेज ही समझ ही नहीं आता कि ये 362 क्या है. यहां से पढ़ के समझ में नहीं आता कि ये 362 जो है ये क्या गिवन है, ठीक है. तो आपको इसमें क्या करना है, अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आए बेटा, इसका अगेन आप हिंदी वाले काउंटर पार्ट को पढ़ो, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाएगी. अगर कभी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको दिक्कत आए, हिंदी के क्वेश्चन को पढ़ो, वहां से अप्रोच करो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या बोल रहा है, स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो, इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी 2 रो लेस, इफ वन स्टूडेंट इज लेस इन अ रो देयर वुड बी 3 रोज मोर, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास. लेट्स से बेटा जो हमने बच्चे खड़े किए किस में खड़े किए, रोज में खड़े किए. लेट्स से ये एक रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ऐसे हमारे पास n रोज है. कितनी रोज है बेटा हमारे पास, ऐसे n रोज है. आगे क्या बोल रहा है कि अगर इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन ईच रो, मतलब अगर मैं यहां पे देखूं, लेट्स से कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है बेटा हर एक रो में वो कितने हैं, m है. तो अगर तो यहां पे देखो, अगर m स्टूडेंट हर रो में है और बेटा मेरे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, n, तो टोटल स्टूडेंट कितने आएंगे मेरे पास, तो आपको पता है n इंटू एम, ठीक है. आप इसको ऐसे समझो, लेट्स से कि आपकी, आप इसको एज्यूम कर सकते हो बेटा, अगर आप एक क्लास में बैठे हुए हो उस क्लास में से आप इसको एज्यूम कर सकते हो नंबर ऑफ चेयर देख के, तो टोटल स्टूडेंट की वैल्यू कितनी, n इंटू एम. उसने क्या बोला है कि अगर हर रो में एक बच्चा एक्स्ट्रा हो जाए, तो बेटा अब एक रो में कितने बच्चे बैठ रहे हैं, एम प्लस वन. ऐसा करने से दो रो कम हो गई, यानी कि जो रो है वो कितनी हो गई अब, एन माइनस टू. तो बेटा जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो तो अभी भी सेम है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, इज इक्वल टू एन इंटू एम. आगे उसने क्या बोला है कि वन स्टूडेंट इज लेस इन अ रो, तो अब अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाए, एम माइनस वन इंटू, तो देयर वुड बी 3 रोज मोर, तो बेटा नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी अब, एन प्लस 3. लेकिन अभी भी बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे हैं, बराबर है. आप दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा. लाइक अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो यहां से क्या आएगा बेटा, देखो m इंटू एन माइनस 2m, यहां पे जाएगा प्लस n माइनस 2 इज इक्वल टू m इंटू एन. ये दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. तो इक्वेशन क्या बनी हमारे पास, n माइनस 2m इज इक्वल टू 2, ये आपके पास होगी इक्वेशन 1. ऐसे आप यहां से इक्वेशन सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, ये m इंटू एन प्लस 3m माइनस n माइनस 3 इज इक्वल टू एन इंटू एम. तो ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट. तो यहां से क्वेश्चन क्या बनी मुझे बेटा, माइनस एन प्लस 3 एम इज इक्वल टू 3 बन गया.
क्लियर है, आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, वही तो पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, आप इसको ऐड कर दो। अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट, तो यहां से क्या बचा माइनस टू एम प्लस एम, तो बेटा एम की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 5। अगर m की वैल्यू 5 है, आप कहीं पे भी क्वेश्चन को पुट कर दो, आप इसमें पुट कर दीजिए बेटा, अगर m की वैल्यू 5 है, 5 दोनी 10, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है बेटा n इंटू एम, तो 12 × 5 = 60 इज द आंसर। क्लियर है, अब देखो कुछ क्वेश्चन बेटा लैंग्वेज वाले आते हैं जिसमें आपको लैंग्वेज पढ़ के ही मतलब निकालना है, और इन क्वेश्चन को आप ऐसे ही अप्रोच करोगे, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है। आपको लग रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चंस में टाइम जा रहा है, लेकिन बेटा इतना टाइम आपको एग्जाम में देना ही पड़ेगा, और आपके पास सीडीएस के एग्जाम में सफिशियंट टाइम होता है, अगर आप अच्छे से पढ़ के जा रहे हो आपके पास बहुत टाइम है एग्जाम में क्वेश्चंस को सोल्व करने का। हाँ, अगर आप पढ़ के नहीं गए तो बात अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है बेटा, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स हूज सम इज 10, इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, डिजिट्स ऑफ नंबर आर रिवर्स। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में मैंने आपको अप्रोच बताया था, उसने बोला है कि एक टू डिजिट का नंबर है, तो बेटा मान लेते हैं कोई भी x और y है। अब जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था कि आप इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका क्या है, दो डिजिट का नंबर है ना, और बेटा डिजिट का सम कितना है 10, तो ऐसी दो डिजिट देखो जिसकी डिजिट का सम कितना आ जाए 10, जैसे 1 और 9, आगे क्या देखोगे 2 और 8, 3 और 7, उसके बाद क्या देखोगे बेटा 4 और 6। अब अपने आपको ये रिपीट करेगा, क्या पूछा है हमसे, उन दो डिजिट की मल्टीप्लाई, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। आप यहां पे देखो, अगर ये नंबर ये है बेटा, इनकी मल्टीप्लाई कितनी आई 9, इसकी मल्टीप्लाई कितनी आई 16, इसकी मल्टीप्लाई कितनी आई 21, इसकी मल्टीप्लाई कितनी आई, इनमें से कितने ऑप्शन में है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है 24। अगर दो ऑप्शन में होते ना तब हम आगे चेक करते, अब एक ही ऑप्शन में है 24, आपका आंसर कितना हो गया डायरेक्ट 24। अगर आपने लास्ट सेशन देखा होगा, लास्ट सेशन में मैंने आपको समझाया था कि इस तरीके से अप्रोच कैसे करना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें क्या बोल रहा है कि व्हाट लीस्ट वैल्यू मस्ट बी गिवन टू, ठीक है, एक उसने एक डिनोशन दे रखा है, सो दैट द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 9। मुझे 9 से डिवाइड करने के लिए क्या इसमें इस वैल्यू को क्या मतलब इस साइन को हम क्या वैल्यू दें, तो बेटा 9 का रूल क्या था, अगर आपको 9 का डिविजिबिलिटी का रूल पता है तो ये था कि अगर हम डिजिट्स को एड करके सम कर दें तो वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, और 100 बेटा सम करने का तरीका जहां पे 9 बनना है उसको छोड़ दे, जैसे 5 और 4 9 छोड़ देंगे, इसको 7 और 2 9 छोड़ दो, क्या बचा मेरे पास यहाँ पे 8 बचा। अब 8 में क्या ऐड करूं कि वो 9 से डिवाइड हो जाए, तो आप बोलोगे सर इसमें हम 1 ऐड करेंगे, इसका मतलब बेटा इसका साइन क्या देना पड़ेगा मुझे, 1 देना पड़ेगा, सो दैट कि ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाए। अब देखो लास्ट क्वेश्चन पे टाइम लगा, लेकिन इस क्वेश्चन पे जितना टाइम वहां आपने लगाया वो यहां पे मैनेज हो गया, तो आपको पूरा बेटा बैलेंसिंग बना के चलना है। अब ये क्वेश्चन देखो सेकंड सेशन में आया था, मैंने आपको बताया भी था कि हम कैसे देखते हैं, कैसे कैसे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, इफ पी इज एन इंटीजर देन एवरी स्क्वायर इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, मैंने आपको बताया भी था कि इसको हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। पहला था कि किसी भी अपरफेक्ट स्क्वायर को बेटा 3k + 1 की फॉर्म में लिख सकते हो, या फिर 4k + 1 की फॉर्म में लिख सकते हो, या फिर मैंने आपको बताया था 5k और 5k - 1 की फॉर्म में लिख सकते हो। सेकंड सेशन में मैंने आपको ये भी बताया था कि ये कहां से आते हैं, कहां से इनको हम निकालते हैं। क्लियर है बेटा, तो यहां पे अब आपके सामने दिक्कत है कि सर ये भी ऑप्शन सही है और ये भी ऑप्शन सही है, हम टिक कौन सा करें। अगर कभी भी ऐसा एग्जाम में हो कि आप श्योर श्योर हैं कि दो ऑप्शन सही हैं, तो उन दोनों में से जो ज्यादा बेहतर है या तो उसको टिक करोगे, या फिर बेटा जो पहले आ रहा है उसको टिक करोगे। अब ज्यादा बेहतर ये क्यों है, क्योंकि ये सबसे छोटे नंबर पे काम कर रहा है, ठीक है। अगर जैसे मान लो 3 और 4 ऑप्शन में है तो हम 3 को टिक करेंगे, 4 और 5 ऑप्शन में होगा तो हम 4 को टिक करेंगे, क्योंकि छोटा नंबर है, ठीक है, क्योंकि पहले वो आ रहा है, isn't it? तो बेटा इसका आंसर क्या है इसमें 4 ली। या फिर आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि अगर दो ऑप्शन आपके पास सही हैं, उन दोनों में से ज्यादा बेस्ट कौन सा है, या फिर जो पहले आ रहा है हमें उसको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग बेस 13 10 या लॉग 10 बेस 13 अपॉन लॉग 10 अपॉन 169। तो बेटा इसको लिखने का तरीका देखो, मैं लिख सकता हूं, मैंने पहले भी बताया था कि लॉग ए अपॉन लॉग बी, ठीक है, log a बेस b को लिख सकते हैं, log a अपॉन log b, अपॉन में है उल्टा करके लिख देंगे, तो ये कितना चला जाएगा यहां पे log 169 अपॉन log 10, तो ये क्या हो जाएगा इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 13 का स्क्वायर देखो, ये क्या 13 का स्क्वायर, तो स्क्वायर कहां जाएगा बाहर, ये क्या बनेगा
तो 2 log 13 अपॉन log 13, तो बेटा इसमें आंसर क्या जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ब्रावो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करना था कि व्हाट कैन बी सेड अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ दिस वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। बेसिकली यहां पे पूछना चाह रहा है इसमें क्या कह सकते हैं, ऑप्शन देखो, उसने बोला है कि लास्ट डिजिट इज 4 या 8 है या 2 है या फिर आखिर की दो डिजिट क्या है 0। आपको यहां से समझ आया कि यार हमें इसमें आखिर की डिजिट पे काम करना है, तो बेटा अगर मैं लास्ट डिजिट फाइंड करूं कैसे फाइंड करते हैं, देखो 2 के केस में क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, पावर कैसी है 4 से डिविजिबल, तो अगर पावर 4 से डिविजिबल होगी तो बेटा 2 की पावर 12 एन की आखिरी डिजिट क्या आएगी 6 आएगी, और 6 के केस में क्या करते थे 0156 रूल नंबर 1, कुछ भी हो पावर हमेशा आखिरी डिजिट हमेशा क्या आएगी 6, मतलब बेटा आखिरी डिजिट क्या है इसकी 0। अब आखिरी डिजिट 0 सिर्फ और सिर्फ बेटा किस ऑप्शन में है, डेल्टा में है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं कि सर आखिर की दो डिजिट है, बेटा वो तब चेक करना पड़ता अगर यहाँ पे एक ऑप्शन ये होता कि लास्ट डिजिट इज 0 या फिर लास्ट की 2 digits आर 0, तो अगर ऐसा ऑप्शन ही नहीं है और आखिरी डिजिट हम श्योर है क्या आ रही है 0, मतलब इसका आंसर क्या है डेल्टा। अब इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या बोल रहा है बेटा, कंसिडर दोज नंबर्स बिटवीन 300 and 400 सच दैट When each number is divided by, देखो divided by मतलब LCM, divided by 6, 9 and 12, it leaves a remainder 4, it leaves 4 as the remainder in each case. तो अगर हर एक केस में remainder same होता है तो हम क्या करते हैं उसको add करते हैं, अगर अलग अलग होता है तो number जिससे हम divide कर रहे हैं और remainder का difference देखते हैं, जैसे हमने last question में किया था अभी। तो बेटा यहाँ पे क्या निकालेंगे हम 6, 9 और 12 का LCM, 6 12 को डिवाइड कर पा रहा छोड़ दें, बेसिकली मुझे 9 और 12 का LCM निकालना है, तो इसको हम क्या करेंगे 4 या 12, तो बेटा 9 4 जा 36, इसका मतलब मेरा LCM कितना आया 36। अब अगर रिमाइंडर सेम होता है तो इसको हम ऐड करते हैं, ये होगा सबसे पहला नंबर, लेकिन हमें अगर बहुत सारे नंबर निकालने हैं तो मैंने आपको रूल बताया था कि 36 इंटू एन प्लस 4 लिखेंगे, जहां पे एन की वैल्यू क्या होगी 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट, अगर n इज इक्वल टू 1 रखा तो पहला नंबर मिला, तो बेटा पहला नंबर क्या मिला 36 + 4 = 40, ठीक है क्या मिला मुझे इसमें 40, लेकिन मुझे कहां से काम करना है 300 से बड़ा और 400 से छोटा, तो मुझे 1, 2 पे तो काम ही नहीं करना, ये तो सबसे छोटा नंबर हो गया, लेकिन 300 से 400 के बीच में अगर काम करना है तो आप देख पा रहे हो कि बेटा मैं अगर सीधा सीधा 10 से मल्टीप्लाई करूं कितना गया 360, ठीक है, मतलब n की वैल्यू मुझे 9 के आसपास रखनी है, 8 के आसपास रखनी, तो आप पहले यहां पे 10 रख के देखो आपको एक नंबर दिख रहा है, ठीक है हमने इसमें 9 रखा तो 9 6 = 54, ठीक है बेटा अगर मैं 36 की 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 9 6 = 54 कैरी 5, 9 3 27 और 27 और 5 अगर हम ऐड करेंगे बेटा कितना गया 324, तो यानी कि 9 पे मुझे क्या नंबर मिला 324 प्लस 4 ऐड करेंगे तो सबसे पहला नंबर कौन सा है बेटा 328, दूसरा नंबर क्या आएगा n की जगह 10 रखेंगे तो 360 + 4 = 364, तीसरा नंबर क्या आएगा n की जगह हम 11 रखेंगे तो 11 6 66 का 6 मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं कैरी 6 गया बेटा 11 3 33 33 और 3 33 और 6 कितना जाएगा बेटा 396, 4 ऐड करेंगे कितना आया 400, बट नाउ द क्वेश्चन इज क्या मुझे 400 ऐड करना है, उसने क्या पूछा है बिटवीन, मतलब मुझे 400 को काउंट नहीं करना, मुझे सिर्फ इन दोनों को काउंट करना है, तो आंसर कितना आएगा बेटा 8 और 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 और 2 8 और 1 9 और 3 और 3 6, मतलब सम कितना गया 692, अल्फा इज द आंसर। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस भी आपको दिखेंगे जिसमें आपको अप्रोच करना है, बस आपको मल्टीप्लाई डिवाइड था बेटा और कुछ नहीं है, बाकी कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो इसमें, कंसिडर दी फॉलोइंग अजम्पशन एंड दी टू स्टेटमेंट, अजम्पशन क्या है अ नंबर ए बी सी डी ई इज डिविजिबल बाय 11, ये 11 से डिविजिबल है ये हमें मान के चलना है, वो कह रहा है कि ये 11 से डिविजिबल है, तो अगर 11 से डिविजिबल होता है तो आपको रूल याद होना चाहिए था बेटा, रूल क्या था कि हम ऑल्टरनेट नंबर्स के पेयर बनाते हैं, मतलब ए प्लस सी प्लस ई और डी प्लस बी को हम माइनस कर देंगे, तो हमें क्या देखना है बेसिकली हमें देखना था ई प्लस सी प्लस ए में से क्या माइनस करेंगे बेटा माइनस डी माइनस बी, मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा सही है, उसने बोला है इज डिविजिबल बाय 11 हमेशा होगा, उसने बोला है कि यार ये 0 होगा बेटा हो भी सकता है क्योंकि डिविजिबिलिटी का रूल क्या था 11 से,
माइनस करके या तो जीरो आए या फिर 11 से डिविजिबल आए। तो ये सेम चीज है, क्या जीरो होगा? बिल्कुल होगा। मतलब स्टेटमेंट क्या है, पहला और दूसरा दोनों सही है। ये आपका डायरेक्ट एक रूल है डिविजिबिलिटी के ऊपर। तो इसमें स्टेटमेंट कौन सा चूज करना है हमें, करेक्ट बताना है। ओनली स्टेटमेंट वन गलत हो गया, बोथ दिस स्टेटमेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अज्यूम्पशन, बिल्कुल सही बात है, हम दोनों स्टेटमेंट को अज्यूम कर सकते हैं अगर वो 11 से डिविजिबल है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि बेटा थ्री डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 11, एक तीन डिजिट का नंबर है जो कि 11 से डिविजिबल होगा, हैज द यूनिट डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस इक्वल टू 1। ठीक है, एक तीन डिजिट का नंबर है जिसकी आखिर की डिजिट कितनी है, 11, मतलब 1 है, जो 11 से डिविजिबल है। द नंबर इज 297 मोर देन द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। और ये जो नंबर है ना, ये अपने रिवर्स से 297 ज्यादा है। आपसे पूछा है व्हाट इज द नंबर, बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में क्या करते हैं कि वैल्यू पुट करना शुरू कर देते हैं कि सर एक्स और वाई मान लेंगे, इसका रिवर्स देख लेंगे, 297 में ज्यादा है। बेटा नंबर पूछा है ना, तो नंबर ऑप्शन में तो है, उसने आपसे नंबर पूछा है और नंबर ऑप्शन में गिवन है, तो ये कंडीशन हम एक्स वाई पर ना लगा के ऑप्शन में लगा देते हैं। बेटा 121 का रिवर्स क्या आएगा, 121, क्या वो 297 में ज्यादा है, पहला आंसर नहीं है। उसने क्या बोला है कि जो नंबर है ना मेरे पास ये एक्स वाई वन, इसका रिवर्स कितना होगा 1/x, तो ये पहला वाला नंबर इससे 297 ज्यादा है। तो बेटा इसका मतलब कि रिवर्स करके नंबर हमेशा कैसा आएगा, छोटा आएगा। अगर मैं 231 को रिवर्स करूं तो रिवर्स कितना है बेटा 132, क्या 231 और 132 का डिफरेंस बेटा 297 आएगा, दूसरा आंसर नहीं है। अब इसमें देख लेते हैं 561 का रिवर्स कितना है बेटा 165, क्या इसका देख लेते हैं डिफरेंस 297 आ रहा है, एक बार चेक करेंगे, यहां से कैरी लिया कितना गया 6, बेटा लास्ट में कितना है 7 होना चाहिए, इसमें कितना आ रहा है 6, मतलब आंसर नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप पूरा सोल्व कर लेंगे, बेटा है 5 था, कैरी गया 15, या 9 आएगा, 4 में से 1 गया 3, कितना डिफरेंस आया 396, तो लास्ट ऑप्शन क्या बचा मेरे पास, डेल्टा इज द आंसर। चेक करना है, चेक कर लेते हैं, ये नंबर था, इसका रिवर्स क्या होगा 154, इनका डिफरेंस देखो कितना आना चाहिए 297, कैरी लिया 11 में से 4 गए 7, यहां पे बेटा कितना बचा 4, यहां पे हमने इसमें कैरी लिया 14 में से 5 गया 9, 3 में से 1 गया 2, 297। तो आप हिट एंड ट्रायल से भी क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो, वो आपको समझना है बस प्रैक्टिस से। तो बेटा 158 का आंसर क्या है हमारे पास, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये भी, अगेन बहुत बेसिक क्वेश्चन है लॉग के ऊपर, जो बेसिक आइडेंटिटीज है उसी के ऊपर आपको इसमें अप्लाई करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/3 लॉग बेस 10 125 माइनस दिस एंड दिस दिस। कुछ नहीं करना बेटा, 125 को मैं क्या लिख सकता हूं 5 की पावर 3, और पावर हमेशा कहां जाती है मल्टीप्लाई में, मतलब ये कट जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा बेटा लॉग 5 माइनस, इसको लिखूंगा 2 की पावर 2, तो ये क्या बनेगा बेटा 4 log 2, यहां पे लिखूंगा 32, तो कितना होता है 2 की पावर 5 प्लस, तो ये क्या बनेगा बेटा 5 log 2 प्लस, ये क्या यहां पे log 1 ऐसे छोड़ देंगे, क्योंकि बेटा log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, याद रखो log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। यहां पे सोल्व किया, यहां पे क्या बचा मेरे पास, ये log 5, ये माइनस का ये प्लस का, ये 4 log ये 5 log, तो बेटा क्या बनेगा प्लस का log 2, और log a प्लस log b किसके इक्वल होता है log a इंटू बी, तो 5 × 2 क्या बना 10, और बेटा log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, चार्ली इज द आंसर। सारी की सारी आइडेंटिटीज आपके दिमाग में छपी होनी चाहिए ताकि आप उसको बिना लिखे अप्लाई कर सको, वो आपका काम है। ठीक है, अगर मैं ये क्वेश्चन सोल्व करता बेटा मैं इसको लिखने की जरूरत नहीं थी इतना, लेकिन मुझे एक्सप्लेन करना है आप लोगों को आपको कैसे करना है अप्रोच, इसलिए मैंने इसको इतना एक्सप्लेन किया। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1.34 बार प्लस 4.12 के ऊपर बार। अब देखो यहां पे अगर आपको क्लास का शॉर्टकट याद है, मैंने आपको बताया था कि पहला तरीका तो वही है बेटा, आप ये देखो कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट के ऊपर बार है, यहां पे 2 डिजिट के ऊपर बार है, यहां पे बेटा 1 डिजिट के ऊपर बार है, इनका एलसीएम लो, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2, यहां पे उतनी आप रिप्रेजेंटेशन कर दो। यहां पे डेसिमल के 0 के बाद कितनी डिजिट हम देखेंगे, कितनी लिखनी है, डिसाइड करेगा विदाउट बार मैक्सिमम कहां पे है, तो बेटा यहां पे कितना है विदाउट बार 0, यहां पे कितना है डेसिमल के बाद 1, तो यहां पे क्या जाएगा ये बेटा, इस फॉर्मेट में आप इस क्वेश्चन को लिख दो, तो यहां पे क्या लिखेंगे 1.34343, लिखना है मत लिखो, आप आगे देख सकते हो 4.1 2 2 2 एंड 2, इसमें क्या बताया था 3 और 2 5 4 और 2 6 3 और 2 5 4 और 2 6 3 और 1 4 4 और 1 5, तो क्या बना ये 5.4 बेटा 6.5 के ऊपर बार।
अब लेकिन इस फॉर्मेट में आंसर नहीं है, आंसर हमारा किसमें, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो बेटा देखो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में मैंने कन्वर्ट करना सिखाया था आपको यहां से डायरेक्ट, कैसे लिखते थे, पूरे कंप्लीट नंबर को लिखो तो 5465 जो विदाउट बार है उसको माइनस करो, वो कितना यहाँ पे 54 अपॉन डेसिमल के बाद देखो कितनी डिजिट के ऊपर बार है उतने आप नो लिख दो, डेसिमल के बाद जितनी बेटा डिजिट के ऊपर विदाउट बार है उतने आप जीरो लगा दो, मतलब लास्ट में क्या आना चाहिए 990, दो ऑप्शन में है तो मतलब पहला आंसर नहीं और दूसरा आंसर नहीं है। जब इसको माइनस करके लिखेंगे बेटा यहां से तो 5 में से 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1, तो कितना गया मेरे पास ये। अब देखो यहां पे इसका शॉर्टकट क्या है, यहां पे शॉर्टकट देखो कि बेटा अपॉन में कितनी मेरे पास अब डिजिट है, बस आपको ये देखना है ठीक है। लेट्स से मैं आपको इससे इसको समझाने से पहले आप एक चीज और समझो, अगर आपके पास ये क्वेश्चन है कि 725 डिवाइडेड बाय 99, इसको शॉर्ट तरीके से कैसे अप्रोच करेंगे पहले इसको देखो बेटा, आपको ये देखना है कि बेस में कितने नो है, तो बेस में हमारे पास इसमें जो है दो नो दिख रहे हैं, तो आप दो डिजिट को छोड़ दो, क्या बचा मेरे पास 7, मतलब ये जो सोल्व होगा ये होगा 7 कंप्लीट 25 में 7। अब यहां पे देखो क्या मेरे पास कोई जीरो है, नहीं है, मतलब आपको 7 ऐड करना है, तो 7 25 में ऐड करूंगा तो कितना आएगा बेटा, तो 32/99। ये डायरेक्ट अप्रोच होता है सोल्व करने का। तो इसमें क्या करना है, अब जीरो भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि डेसिमल के बाद मेरे पास तीन डिजिट है, डिजिट देखो कितने हैं 1, 2 और 3, तो आप तीन डिजिट को छोड़ दो, क्या बचा मेरे पास यहां पे बेटा 5 बचा। तो 5 के बाद अब करना क्या है, अब आपको ये देखना है जैसे 411 में 5 ऐड करेंगे, लेकिन 5 ऐड नहीं करना, आप यहां देखो कितने आपके पास जीरो हैं, अगर एक जीरो है 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, दो जीरो होते 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तीन जीरो होते 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 411 में 5 ऐड कर देते अगर सारे के सारे क्या होते नो होते, अगर सारे नो नहीं है तो बेटा एक जीरो है मतलब 5 में 10 से मल्टीप्लाई करो कितना है 50, तो 411 में 50 ऐड करेंगे बेटा, अगर 411 में मैं 50 ऐड करूंगा तो कितना आएगा वो 461, तो मतलब ये क्या जाएगा 461 अपॉन 990। बस आपको ये समझाने में टाइम लगा, अगर ये आपको आता आप बिना सोल्व करे इस क्वेश्चन को लिख पाते तो आंसर इज डेल्टा। अब देखो बेटा ये प्रैक्टिस आपको क्लास में आनी चाहिए ठीक है, अगर ये आपको समझ में नहीं आया वीडियो को बेटा आप दोबारा देखो इसको, आपको ये समझ आएगा कि आपको किस तरीके से अप्रोच करना है। मैं आपको इस पे एक क्वेश्चन और लिखा देता हूं, लेट्स से अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से होता 5794 डिवाइडेड बाय 999, आपको ये देखना है कि यहाँ पे क्या गिवन है, क्या यहाँ पे एक जीरो है, नहीं है, कितने नो है, तीन नो है, तो अगर तीन नो मेरे पास है ना बेटा तो आप तीन डिजिट को छोड़ दो, क्या बचा मेरे पास 5, मतलब ये क्वेश्चन जाएगा 5 कंप्लीट 794 में 5 ऐड कर दो, जो डिजिट आपने छोड़ दी तीन के बाद उसको ऐड करना है, तो 794 में 5 ऐड करेंगे कितना जाएगा बेटा ये 799, तो डिवाइडेड बाय 999 आंसर। आपको बस करना है क्या, अगर यहां पे जीरो होता ना तो आपको 5 ऐड नहीं करना था, जितने जीरो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो है तो 10 से, दो जीरो है तो 100 से, तीन जीरो होते तो 1000 से मल्टीप्लाई करके तब इसको ऐड करेंगे और आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या बोल रहा है कि बेटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। अगर आपको स्क्वायर का रूल याद था, मैंने आपको सबसे पहला रूल बताया था कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी भी 2, 3, 7, 8 से एंड नहीं करता, इसी रूल से आंसर मिल गया। इसके लास्ट में क्या आ रहा है 2, बेटा ये तो कभी किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, क्या पूछा है इसने, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो आंसर क्या हो गया, ब्रावो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो उसने क्या बोल रहा है कि इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 24 देन देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैन नॉट बी। अब आपको अगर याद होगा बेटा मैंने आपको ये तीन रूल बताए थे कि जो एससीएफ होता है ये हमेशा नंबर्स को डिवाइड करेगा, हमेशा किसको डिवाइड करेगा, नंबर्स को। देखो नंबर हमेशा एलसीएम को डिवाइड करता है ठीक है, आप ऐसे याद रखो एससीएफ किसको डिवाइड कर रहा है, नंबर को, और नंबर हमेशा किसको डिवाइड कर रहा है, एलसीएम को, तो मतलब बेटा एससीएफ किसको डिवाइड करेगा, एससीएफ एलसीएम को भी डिवाइड करेगा। तो अगर दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एससीएफ 24 है तो उसका एलसीएम कौन सा नहीं हो सकता है, जो 24 से डिवाइड नहीं हो रहा, जो जो नंबर 24 से डिवाइड हो जाएंगे वो उसके एलसीएम हो सकते हैं, तो जो डिवाइड नहीं हो रहा वो कभी भी उसका एलसीएम नहीं होगा। क्या बेटा 72-24 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल, मतलब ये एलसीएम हो सकता है। क्या 216-24 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, मतलब ये एलसीएम उसका हो सकता है। क्या बेटा 624 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो ये भी उसका एलसीएम हो सकता है। तो अब 372 को आप डिवाइड करके देखो,
बेटा जब आप 24 से 372 को डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा है मतलब ये कभी भी उसका एलसीएम नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा हमारा, चार्ली। ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत कराए हैं बेटा, इसमें इसी तरीके से अप्रोच करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग गिवन इंटीजर्स ए एंड बी बाय 7। अगर मैं 7 को ए और बी से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना है, 5 और 4। बेटा व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन ए बी इज डिवाइडेड बाय 7। हमसे क्या पूछा है कि जब मैं ए बी को 7 से डिवाइड करूं आप रिमाइंडर बताओ क्या आएगा। लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था बेटा, अगर आपको रिमाइंडर का रूल नंबर 1 याद हो कि अगर एन नंबर्स मेरे पास मल्टीप्लाई में हैं और उनसे रिमाइंडर पूछा है, हम क्या रूल लगाते थे कि इंडिविजुअली नंबर को डिवाइड करेंगे। 7 से ए को डिवाइड करो तो बेटा क्वेश्चन में क्या रिमाइंडर गिवन है, 5। 7 से बी को डिवाइड करो रिमाइंडर कितना है, 4। ठीक है, दोबारा से 7 से डिवाइड कर दो तो बेटा 5 चौक 20। ऐसा कब तक करेंगे डिवाइड करेंगे, जब तक वो नंबर छोटा ना जाए। तो मैंने 20 को 7 से डिवाइड किया, 7 टू 14, तो रिमाइंडर कितना गया बेटा, 6। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डेल्टा। अगेन अगर आपको डिविजिबिलिटी याद है बेटा, मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको लिखवाए थे, क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एचसीएफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स की पावर 10 माइनस वाई की पावर 10 इज एक्स प्लस वाई। तो अगर आपको ये क्वेश्चन याद है, एक्स की पावर 10 माइनस वाई की पावर 10 इवन है, किससे डिवाइड होगा, अगर पावर इवन होती है तो एक्स माइनस वाई से भी डिवाइड होगा और एक्स प्लस वाई से भी डिवाइड होगा। तो अगर ये एक्स प्लस वाई से भी डिवाइड होगा और ये भी एक्स प्लस वाई से, तो इसका एचसीएफ कितना है, एक्स प्लस वाई, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आगे उसने क्या बोला है बेटा, द एचसीएफ ऑफ एक्स प्लस वाई एंड एक्स की पावर 10 प्लस वाई की पावर 10 इज एक्स प्लस वाई। देखो अगर बेटा एडिशन है तो एडिशन हमेशा ओड पे डिवाइड होगा, इवन पावर पे डिवाइड नहीं होता है। जब तक हमें नंबर नहीं पता हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, गलत। अब सेकंड गलत कितने ऑप्शन में है, देखो सेकंड गलत है हमें पता है, क्या पूछा है उसने, करेक्ट स्टेटमेंट, पहले ऑप्शन में भी सेकंड है, दूसरे ऑप्शन में भी सेकंड है बेटा, चौथे ऑप्शन में भी सेकंड है। मतलब पहला भी आंसर नहीं हो सकता, दूसरा भी आंसर नहीं हो सकता, चौथा भी आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो गया आपका इसमें, चार्ली। ठीक है बेटा, आप ऐसे भी क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो, आपको आगे दो ऑप्शन चेक ही नहीं करने, आप कर भी सकते हो लेकिन आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द लास्ट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ। बहुत आसान क्वेश्चन है, यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है, कैसे निकालते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि बेस में देखो क्या है, बेस में क्या है, 3। तो रूल नंबर 3 अप्लाई करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, पावर से 4 बेटा, पावर को 4 से डिवाइड करने का तरीका आखिर की दो डिजिट को डिवाइड करेंगे। तो 98 को 4 से डिवाइड करो तो बेटा 4 × 2 = 8, कैरी गया 18, 4 चौक 16, रिमाइंडर कितना गया, 2। तो हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर बचता है वो 3 की पावर रख देंगे, यानी कि जो भी आखिरी डिजिट होती है उसकी हम जो रिमाइंडर आएगा पावर को डिवाइड करके वो रेस कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर 9, मतलब आखिरी डिजिट क्या आएगी इसकी, 9। डेल्टा इज द आंसर। आगे क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 52। देखो डिवाइडेड बाय मतलब एलसीएम, लीव्स 33 एज द रिमाइंडर, व्हेन डिवाइडेड बाय 78 लीव्स 59 एज द रिमाइंडर, एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 117 लीव्स 98 एज द रिमाइंडर। ऐसा देखो मतलब तीसरा या चौथा क्वेश्चन है बेटा जो पास्ट टाइम में ऐसा देख रहे हैं अभी तक। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, अभी तक एलसीएम निकालो और जो नंबर और रिमाइंडर का बीच का जो गैप होता है उसको माइनस करते हैं। तो बेटा देखो 52 और 33 का गैप कितना है, 19। 78 और 59 का गैप कितना है, 19। 117 और 98 का गैप कितना है, 19। तो हमेशा गैप कितना है, जो गैप अगर कांस्टेंट है तो एलसीएम निकाल के, तो मतलब क्या करना है मुझे बेटा, 52 का, 78 का और 117 का जो एलसीएम होगा उसमें से क्या माइनस करना है, जो डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच का गैप है जो कि इन तीनों में कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 19। वो नंबर नहीं पूछा हमसे, क्या पूछा है, उसका सम पूछा है डिजिट्स का। तो इसका अगर एलसीएम निकालूंगा बेटा तो आप देखोगे 13 चौका 52, 13 × 6 = 78 और बेटा 13 × 9 = 117। तो 13 तो कॉमन दिख ही रहा है मेरे को, 4 सबसे ज्यादा कॉमन कहां दिखा है बेटा, 2 दिखा है 4 में और 3 कहां दिखा है यहां पे, 13 × 9 = 117। 117 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4, तो 4 × 7 = 28 का 88 लगे 2, 4 × 4 = 2 = 6, 4 × 4 = 468। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये तो एलसीएम आया। नंबर क्या होता है, हमें से जो डिफरेंस होता है उसको माइनस करेंगे डिवाइजर का और रिमाइंडर का। तो यहां पे कितना गया बेटा, 9, 5 में से 1 गया 4, ये कितना गया 4, तो 4 4 9
ये भी हमसे नंबर नहीं पूछा, नंबर पूछा होता तो आंसर क्या होता, 449 उसने पूछा है उसकी डिजिट्स का सम, तो 4 और 4 8, 8 और 9 बेटा 17, अल्फा इज दी आंसर। क्लियर है आपको, ये कम से कम तीसरा चौथा क्वेश्चन है बेटा जो इस तरीके से आपको अप्रोच करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय, देखो अगेन डिवाइडेड बाय मतलब एलसीएम, 4 5 8 9 लीव्स रिमाइंडर 3 4 7 8, अगर डिवाइडेड बाय है और अलग अलग रिमाइंडर है तो आपको अप्रोच क्या करना है, डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच का गैप देखो, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 9 में से 8 गया 1, तो हम क्या करते हैं एलसीएम निकाल के जो डिफरेंस है डिवाइजर और रिमाइंडर का उसको माइनस करेंगे। तो बेटा 4 5 8 9 का मुझे क्या निकालना है, 4 5 8 9 का मुझे एलसीएम निकाल के 1 माइनस करना है, वही तो क्वेश्चन पूछा है मुझसे, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है। देखो 4 8 को काट रहा है छोड़ दो, यानी कि 5 8 9 का मुझे क्या निकालना है एलसीएम, सारे कैसे हैं कोप्राइम, मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 जा 40 × 9 कितना गया बेटा 360, तो 360 नंबर नहीं होगा, 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 359, तो बेटा सबसे छोटा नंबर कौन सा है मेरा उसमें 359। क्लियर है, अब आप देख रहे होंगे देखो एलसीएम के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार, मतलब एक ही पैटर्न के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए बेटा आपको पास्ट ईयर्स करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उस पर्टिकुलर एग्जाम के आप पास्ट ईयर्स करो, ताकि आपको ये आइडिया लगे कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं, ठीक है, और किस तरीके से किस पैटर्न पे बेटा क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको अप्रोच पता होनी चाहिए, आपको उसमें कॉन्सेप्ट आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द वैलिड वैल्यू, सॉरी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्स कोमा एक्स प्लस 1, x+3 आर ऑल प्राइम नंबर। देखो सेकंड सेशन में भी ऐसा क्वेश्चन आया था बेटा, तीसरे सेशन में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, मैंने आपको सारा सीक्वेंस लिखवाया था कि अगर इस तरह का नंबर कभी आता है काम किस पे करना है हमें, डिफरेंस पे, इन दोनों का डिफरेंस देखो 1, इन दोनों का डिफरेंस देखो 2, ऐसे हमारे पास कितने नंबर है, तो अगर आपको याद होगा मैंने लिखवाया था एकमात्र नंबर हमारे पास ऐसा होता है 3 का, जिसमें गैप बेटा कितने का है, पहले 1 का फिर 2 का, दैट इज 2 3 5, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी बेटा इसमें 2, आप पुट भी कर सकते हो लेकिन ये आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए, सारे सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए, जैसे 3 5 7 एकमात्र ऐसा नंबर है जिसके बीच का गैप कितना है 2 2 का है, आपको सारे लिखवाए थे, पहले गैप 2 का फिर 4 का लिखवाया था, ठीक है, 6 6 के गैप में मैंने आपको लिखवाए थे, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक और 100 से लेकर 200 के बीच में सारे नंबर मैंने आपको लिखवा रखे हैं, तो आपको याद होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द 14 टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज इज 6 एंड द 6th टर्म इज 14 देन व्हाट इज द 95th टर्म। एपी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट बेटा फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, उसने क्या बोला 14th टर्म, तो बेटा देखो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप देखोगे मैं आपको लिखा देता हूं पहले, अगर कभी भी एपी, और पहचानेंगे कैसे कि एपी है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा सेम आएगा, तो अगर एपी है तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या होता है कॉमन डिफरेंस, n है कि उसमें कितनी टर्म्स है, a है बेटा पहली टर्म, तो हमें 14 टर्म्स निकालनी है, तो मतलब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 14, तो 14 वैल्यू 14 माइनस 1 गया बेटा 13 इंटू डी, आगे क्या बोला है इज 6, तो 14 टर्म कितनी है ये 6 है, और जो 6th टर्म है तो मतलब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है बेटा 6, तो कितना जाएगा ये 5d, वो कितनी है मेरे पास एंड दैट इज 14, तो अगर मैं दोनों को माइनस करूं, आपको दिख रहा है यहाँ पे बेटा माइनस करेंगे तो मुझे दिख जाएगा ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहां से कितना जाएगा बेटा 8d, ठीक है प्लस का, और ये कितना जाएगा यहां से माइनस का 8, तो बेटा d की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1। अगर मुझसे क्या पूछा है 95th टर्म, तो पहले यहां d पुट करूंगा, n मुझे पता है, देखो यहाँ पे बेटा d पुट करूंगा माइनस 1, तो माइनस 13 गया इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 13 और 6 19, मुझसे क्या पूछा है 95th टर्म, तो 95th टर्म फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा a प्लस 95 माइनस 1 दैट इज 94d, a कितना है मेरे पास 19, तो 94d, d की वैल्यू कितनी है माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा माइनस 94, मतलब बेटा 94 में से क्या करना है मुझे 19 को माइनस करना है, तो अगर आप 19 माइनस करोगे तो कितना जाएगा, देखो बेटा 14 गया, 14 में से 9 गया 5, यहां से 8 में से 1 गया 7, किसका है माइनस का, तो बेटा टर्म मेरे पास क्या आएगी माइनस का 75। बिल्कुल एपी का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आपको इसी तरीके से अप्रोच करना है। उसने क्या बोला है कि if n is a positive integer, then what is the digit in the unit place? देखो यूनिट प्लेस में क्या डिजिट होनी चाहिए, आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। अब देखो आपको एक चीज समझना था कि बेटा 2 की
2 into n plus 1, अगर n दो ही तरह का नंबर हो सकता है, या तो इवन या ऑड, या फिर आप इसमें वैल्यू का पुट भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको इवन ऑड करके कर रहा हूं। लेट्स से मैंने पहले n माना इवन है, हमने क्या मान के चला बेटा कि n एक इवन नंबर है। अगर n एक इवन नंबर है तो देखो ये हमेशा 4 से डिविजिबल होगा, ये भी 4 से डिविजिबल होगा, तो आखिरी डिजिट जब हम फाइंड करते हैं 2 और 3 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, तो बेटा यहां पर रिमाइंडर कितना गया 1, 4 से डिवाइड करके, यहां पर रिमाइंडर कितना गया 1, 4 से डिवाइड करके, तो 3 की पावर 1, 2 की पावर 1, मतलब 3 और 2 5, क्योंकि जो 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर आता है उसी को तो रेस करते हैं पावर पे, तो कितना आएगा 5। अब 5 के अलावा देखो 5 ऑप्शन में है, हमारे पास ऐसे ऑप्शन नहीं है कि यहां पे हम मतलब 1 या 2 सही है, 2 या 3 सही है, तो बेटा अगर यहां से देखोगे तो आंसर कितना आ गया 4 ली, लेकिन आपको ऑड पे भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ऑड लेके चलते हो, आप ऑड कुछ भी मान लो, जैसे मैंने 1 लिया तो 2 और 1 3, अगर आप n को ऑड रखोगे तो बेटा रिमाइंडर हमेशा 3 आएगा, अगर आप इवन रखोगे रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा, अगर आप ऑड रखोगे तो रिमाइंडर देखोगे उसमें हमेशा 3 आएगा, तो मतलब 3 की पावर 3 और प्लस 2 की पावर 3 कितना आएगा 3 × 3 27 का 7, 2 × 2 = 8, तो बेटा यहाँ पे गया आखिरी डिजिट 7, यहाँ पे गया आखिरी डिजिट 7 और 8 15, मतलब n आप इवन रखो तब भी 5, ऑड रखो तब भी 5, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका 4 ली। क्वेश्चन नंबर 171 देखो बेटा क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। अगर आपको क्लास में याद हो तो बेटा रिपीटिंग डेसिमल कब बनते हैं, जब डिनोमिनेटर में एक प्राइम नंबर हो, ठीक है, कितनों में है, ठीक है, एक ही ऑप्शन में है, 4 ली आपका आंसर। आपको ऐसे भी याद रखना है कि अगर कभी भी नंबर के या फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 2 की पावर है या 5 की पावर है तो हमेशा कैसा बनता है वो टर्मिनेटिंग, हमें कैसा चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग, तो 2 की पावर 3 ये कैसा है एक टर्मिनेटिंग है, ये भी कैसा है एक टर्मिनेटिंग है, ये भी कैसा है एक टर्मिनेटिंग है, तो आपका आंसर क्या हो गया 4 ली। आप कैसे भी सोल्व कर सकते हो, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस। देखो इस तरह के क्वेश्चन भी बेटा हमने सेकंड सेशन में देखे थे कि क्या बोल रहा है, इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इट बिकेम्स 1/2, एंड इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर द फ्रैक्शन बिकेम 1, देन व्हाट इज द फ्रैक्शन। अब आपको फ्रैक्शन गिवन है, आपको सोल्व नहीं करना, आप वैल्यू पुट करके देख लो, अगर मैं डिनोमिनेटर में 1 ऐड करूं तो क्या बनना चाहिए 1/2, 1 ऐड करो, अगर फ्रैक्शन 5/9 होता तो बेटा डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया तो कितना आया 1/2, मतलब पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करा रहा है। आगे क्या बोल रहा है, इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, अगर मैं न्यूमरेटर में 1 ऐड करूं तो कितना आएगा बेटा 6/9, तो क्या 1 बन रहा है, ये नहीं बन रहा, मतलब अल्फा आंसर नहीं है। आप सेकंड वाले को चेक करो, ठीक है। अब आप ऐसा भी कर सकते हो कि 1 किस किस में बन रहा है, अगर मैं देखूं डिनोमिनेटर में, इसमें देखो बेटा उसने क्या बोला है, डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया तो 1/2, तो अगर फ्रैक्शन 2/3 होता तो बेटा डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया तो कितना जाएगा 2/4, क्या 1/2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आगे क्या बोला, अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड करें तो कितना गया, क्या 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। बेटा दोनों कंडीशन क्या हो गई सेटिस्फाई, तुम्हारा आंसर क्या है यहां पे ब्रावो। देखो अगर नंबर पूछा है ना तो आप हिट एंड ट्रायल अप्लाई करोगे, नंबर के अलावा कुछ और पूछता तो जैसे हमने लास्ट सेशन में बेटा क्वेश्चन को सोल्व किया है ए अपॉन बी मान के, आप उस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। अब अगेन बेटा लॉग का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आपको क्या करना है 5 का स्क्वायर लिखोगे, ब्रेक करोगे, स्क्वायर बाहर आएगा, कैंसिल आउट, यानी कि यहां पे क्या बचेगा, ये बचेगा मेरे पास log 5 माइनस में, अगर मैं यहां पे देखूंगा बेटा तो क्या बनेगा, ये 2 log 3 प्लस ये कितना जाएगा, तो इसको लिखूंगा 9 into 2, तो मतलब ये क्या जाएगा बेटा log 9 को भी क्या लिखूंगा 2 log 3 प्लस log कितना जाएगा बेटा इसमें, ये 2 जाएगा। अब देखो बेसिक सॉल्व करना है, अगर मैं यहां पे देखूं बेटा log 5 log 2, यहां पे देखो ये कितना है प्लस का और माइनस का log 3, तो log a + b क्या बन जाएगा, ये log a into b, तो 5 into 2 जो कि क्या बनेगा 10, और बेटा log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, क्लियर है। अब इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, तो बेटा देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड द इरेशनल नंबर इज, अगर मैं एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या होगा, तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में आपको पता है कि बेटा डायरेक्ट इसका आंसर आपको पता होना चाहिए इज एन इरेशनल नंबर,
अगर मैं एक रेशनल और एक इरेशनल को अगर बेटा मल्टीप्लाई करें या हम उसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमेशा कैसा होगा, वो एक इरेशनल नंबर होता है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ब्रावो। उसने आगे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 175 देखो बेटा क्या बोल रहा है कि फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर एन, एक इंटीजर है, डिफाइन डी एन। तो डी एन क्या डिफाइन कर रहा है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ऑफ एन, ये पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन, एन के जो पॉजिटिव डिवाइजर है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी ब्रैकेट के अंदर, डी ब्रैकेट के अंदर डी 12। तो बेटा देखो डी एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन के डिवाइजर। तो 12 के डिवाइजर कितने हैं, तो हम कैसे निकालते हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए या डिवाइजर निकालने के लिए हम उस क्वेश्चन को, उस नंबर को हम कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। तो मैं इसको लिखूंगा बेटा 4 × 3, तो 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1। हम क्या करते थे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए पावर में 1 ऐड करते थे और मल्टीप्लाई करते थे, तो 2 और 1 3 और 1 + 1 2। तो बेटा पावर कितनी है, 3 × 2 दैट इज इक्वल टू 6। ये पावर में 1 ऐड किया है, 2 में 1 ऐड किया 3, 1 में 1 ऐड किया 2, तो बेटा कितना आया, इसका मतलब यहां पे इस पूरे की वैल्यू कितनी आई बेटा 6। तो मेरे पास क्या बचा, ये डी ब्रैकेट के अंदर डी की वैल्यू 6। तो अगर मैं 6 के फैक्टर देखूंगा तो यहां पावर कितनी है बेटा 1 1, तो 2 × 2 = 4, मेरे पास यहां कितना गया 4। अगर मैं 4 के फैक्टर निकालूंगा तो 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2। तो बेटा 4 के फैक्टर कितने हैं, पावर में एक ऐड करेंगे दैट इज 3। मतलब इसको सॉल्व करके पूरे को क्या आना चाहिए, 3। किस ऑप्शन में है, नन ऑफ दीज, ठीक है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो आपको इस तरीके से बेटा अप्रोच करना है क्वेश्चंस पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ टू नंबर इज 80, दो नंबर का सम कितना है 80 है। इफ द लार्जर नंबर एक्सीड्स 4 times द स्मॉलर बाय 5, अगर बड़ा वाला नंबर छोटे वाले के 4 गुना से 5 ज्यादा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अगेन यहां पे आपको लेट नहीं करना है, आपको छोटा वाला नंबर यहां पे गिवन है, ठीक है, वो 5 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है और 25 भी हो सकता है। आप यहां पे काम करो, अगर बेटा छोटा वाला नंबर 5 है और दोनों नंबर का सम कितना है 80, तो बड़ा वाला नंबर कितना जाएगा 75। क्या बड़ा वाला नंबर छोटे वाले के 4 गुना से, तो 5 × 20 बेटा इनका डिफरेंस कितना है, देखो तो इनका डिफरेंस आ गया 55। क्या वो 5 ज्यादा है, मतलब पहला आंसर नहीं है। अब आप दूसरा देखो, अगर छोटा वाला नंबर 15 है तो बेटा इनका डिफरेंस कितना आएगा, तो आप बोलोगे 65, ठीक है, मतलब बड़ा, अगर छोटा वाला नंबर 15 है तो बेटा बड़ा वाला नंबर, क्योंकि दोनों का सम कितना है 80, तो बड़ा वाला नंबर कितना जाएगा 65। क्या बड़ा वाला नंबर छोटे वाले के 4 गुना से, तो बेटा 15 × 4 = 4, 15 × 4 = 60। क्या बड़ा वाला नंबर छोटे वाले के 4 गुना से 5 ज्यादा है, देखो 65 में से 60 गए कितना आया 5, तो बड़ा वाला नंबर छोटे वाले के 4 गुना से 5 ज्यादा है, मतलब वो छोटा वाला नंबर कितना है इसमें 15, बड़ा वाला नंबर कितना है उसमें 65। तो बिना एक्स वाई लेट करे आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो, लेकिन अगर आपको एक्स वाई के थ्रू करना है आप उससे भी कर सकते हो। जैसे बेटा दो नंबर का सम 80 है, मान लो एक नंबर ए है एक नंबर बी है, जिनका सम कितना है 80। मान लेते हैं बेटा ए बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन बी, तो छोटा कौन है बी। तो आगे क्या बोला है उसने, इफ द लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर कितना है बेटा यहां पे ए, एक्सीड्स मतलब ज्यादा है किससे, बी के 4 गुना से 5 ज्यादा है। आपको दो इक्वेशन देखने को मिलेंगी बेटा, इनको आप माइनस करेंगे, ठीक है, यहां से आपके पास कट जाएगा, कितना आएगा 4 × 5, तो बेटा 5 × b इज इक्वल टू कितना आएगा यहां से ये 75, और b की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 15, और b क्या माना है हमने छोटा नंबर, तो बेटा छोटा नंबर कितना है 15। आप a b की फॉर्म में लेट करके भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, पर अगर आपको a भी लेट नहीं करना है तो बेटा हिट एंड ट्रायल से आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल रहा है, कंसिडर दी फॉलोइंग नंबर, तो 247 और 203, विच ऑफ दी अबव नंबर इज आर प्राइम, इनमें से कौन सा नंबर बेटा प्राइम है आपको ये बताना है। देखो प्राइम निकालने के लिए मैंने आपको क्लास में समझाया था कि आपको सिर्फ दो चीजों पर काम करना होता है, पहला 6n − 1, ठीक है, कोई भी प्राइम जो 3 से बड़ा है वो बेटा इसकी फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर कोई नंबर इसकी फॉर्म में लिखा जा रहा है सो इट मे और मे नॉट बी प्राइम, लेकिन अगर इसकी फॉर्म में नहीं लिखा गया सो बेटा डेफिनेटली इट इज नॉट ए प्राइम नंबर। इसके अलावा दूसरा रूल क्या था, तो आपको याद होगा, हम एक ऐसा नंबर चूज करते हैं जो गिवन नंबर के स्क्वायर से बड़ा होगा, उससे छोटे सारे प्राइम नंबर से उसको डिवाइड करके देखेंगे, अगर किसी भी प्राइम से डिवाइड हो गया नॉट ए प्राइम, और अगर किसी भी प्राइम से डिवाइड नहीं हुआ देन इट इज अ प्राइम नंबर।
तो आपको दोनों रूल याद रखने हैं बेटा। अगर मैं 6 से डिवाइड करके देखूंगा तो 6 3 18 57 गया, 6 9 54 तो रिमाइंडर कितना बचा बेटा यहाँ पे 3 बचा। अच्छा देखो 6 4 24 6 3 6 यानी कि बेटा इसकी फॉर्म में लिखा जा रहा है प्राइम हो सकता है। 203 को हम डिवाइड करेंगे 6 4 24 -1 -1 का रिमाइंडर बेटा -1 का मतलब है 6 से डिवाइड करके या तो रिमाइंडर 1 आए या 5 आए, तो 5 का मतलब कितना है -1, मतलब ये दोनों प्राइम हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, यानी कि ये वाला रूल यहाँ पे क्या हो गया फेल हो गया। अगर ये फेल हो गया तो दूसरा हम कौन सा अप्लाई करेंगे बेटा, ऐसा नंबर ढूंढो जिसका स्क्वायर 247 से ज्यादा है। तो आपके दिमाग में आएगा 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, बेटा वो नंबर कितना है 16। 16 से छोटे सारे प्राइम बेटा, 16 से छोटे जितने भी प्राइम है ना उन सबसे 247 को डिवाइड करके देखो। जैसे कितना आसान है, 2 से डिवाइड करने के लिए डिविजिबिलिटी रूल, आखिरी डिजिट 2 से डिविजिबल होनी चाहिए, क्या हो रही है मतलब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। 3 के लिए सम डिवाइड होना चाहिए, तो 4 और 2 6 और 7 13 क्या हो रहा है नहीं हो रहा। 5 के लिए आखिरी डिजिट नहीं हो रहा, 7 के लिए आखिरी डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करो बाकी में से माइनस करो, 7 2 14 24 में से 14 माइनस किया 10, क्या बेटा 7 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। 11 के लिए ऑल्टरनेट पेयर बनाओ 7 और +2 9 में से 4 या 5, क्या डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। 13 से डिवाइड करके देखो तो आप देखोगे बेटा 13 1 13 कितना गया 117 है, इसका मतलब 13 नंबर 117 है, तो ये नंबर क्या हो गया 13 से डिवाइड हो गया। अगर बेटा ये 13 से डिवाइड हो गया इट मीन्स इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि अगर किसी भी छोटे प्राइम से डिवाइड हो जाएगा तो वो कंपोजिट नंबर है, वो एक प्राइम नंबर नहीं है। तो मतलब पहला तो बेटा प्राइम नहीं है। 203 को चेक किया, ऐसा नंबर ढूंढो जिसका स्क्वायर बेटा 203 से कम है, तो आप क्या देखोगे 15 का स्क्वायर 225, ठीक है 14 का स्क्वायर 196, तो हमने क्या देखा 15 से छोटे सारे प्राइम नंबर। जैसे 2 से डिवाइड किया नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड किया 3 और 2 5 नहीं हो रहा, 5 से डिवाइड किया नहीं हो रहा, आप इसको एकदम चेक कर सकते हो ठीक है। 7 से डिवाइड करने के लिए 3 2 6 बेटा 20 में से 6 गया 14, क्या 7 से डिवाइड हो रहा है हो रहा है, इसका मतलब ये भी बेटा एक प्राइम नंबर नहीं है। तो ये दोनों कैसे नंबर है कंपोजिट, तो नाइदर 1 नाइदर 2 इनमें से कोई भी प्राइम नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस बेटा आपको ऐसे ही अप्रोच करने हैं, इसके अलावा इसमें कोई रूल नहीं है ठीक है। या तो आप ये अप्लाई करोगे या फिर आप इस तरीके से अप्लाई करोगे। इसमें देखो क्या बोल रहा है कि बेटा द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अगर आपको ये क्वेश्चन देखो दो तरीके से अप्रोच कर सकते हो। अब आपने इस नंबर को देखा, आपके दिमाग में आया एग्जाम से कि सर 36 आखिर की दो डिजिट क्या है 36, मतलब 4 से डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड होगा वो 4 से डिवाइड हो रहा है। अगर 4 से डिवाइड हो रहा है मतलब ये नंबर जिससे भी डिवाइड होगा लेट्स से x से डिवाइड होगा बेटा उसका एक फैक्टर 4 होगा, इजंट इट, क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया है अगर कोई भी नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसके फैक्टर से भी हमेशा डिवाइड होगा, लेकिन अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसके मल्टीपल से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे अगर ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है ना तो बेटा 4 के फैक्टर से भी होगा, जैसे 4 के फैक्टर मतलब 4 को डिवाइड करने वाले, जैसे 1 हो गया 2 हो गया एंड 4 हो गया, लेकिन क्या 4 के मल्टीपल से होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब 8 से हो भी सकता है हमें नहीं पता 16 से, लेकिन आपने ऑप्शन देखो बेटा एकमात्र ऐसा नंबर है जो 4 का मल्टीपल है, क्योंकि अगर x से डिवाइड होगा तो 4 से भी होगा तो वो x 4 का मल्टीपल होना चाहिए, एक पॉसिबिलिटी है। तो हमारे पास कितने ऑप्शन है ऐसे बेटा, एकमात्र एक ऑप्शन है चार्ली, ठीक है, जो 4 का मल्टीपल है। अगर 2 4 के मल्टीपल होते तो हमें चेक करना पड़ता है, यहां पे एक ही मल्टीपल हम क्यों चेक करेंगे जब हमारे पास आंसर ही एक है। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया चार्ली। एक दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड ये था कि आपको इस चारों ऑप्शन में से क्या बेटा 86 का रूल पता है नहीं पता, क्या आपको 87 का रूल आता है कोई नहीं आता, क्या आपको 89 का रूल आता है नहीं आता, हमें सिर्फ और सिर्फ बेटा 88 का रूल आता है। और 88 का रूल क्या होता है 11 से और 8 से, तो इस नंबर को मैं 11 से चेक करके देखूंगा 8 से चेक करके देखूंगा। जैसे 8 से चेक किया बेटा 8 1 8 13, ठीक है 8 1 8 उसके बाद कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे 7 76 डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर बेटा 8 से डिवाइड हो रहा है। 11 से चेक करके देखो आप, इसमें हमने क्या तरीका बताया था कि राइट साइड से 2 2 के पेयर बनाओ और 6 में से 3 गया 3, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 7 गया 1, यहाँ पे कितना बचा 2, तो 5 और 3 8 2 10 11, मतलब ये भी 11 से डिवाइड हो रहा है। तो बेटा 11 से भी डिवाइड हो रहा है 8 से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब ये नंबर 88 से भी डिवाइड होगा। बेटा मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए आपको कैसे अप्रोच करना है। अगर वैसे आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं थी, आपने यहाँ पे देखा कि 4 से डिवाइड हो रहा है
तो जो भी नंबर इसको डिवाइड करेगा वो चार का मल्टीपल होना चाहिए, एक ही था आपका आंसर आ जाता, बात खत्म। बस जब आप ऐसे अप्रोच करोगे ना बेटा, आपकी अंडरस्टैंडिंग इस लेवल पे होनी चाहिए कि आपको समझ आए कि हम क्या करना चाह रहे हैं इसमें, वो आपके ऊपर है, आपको कितना अच्छे से आप प्रैक्टिस करके जा रहे हो। देखो व्हाट इज दी वैल्यू ऑफ 2.6 बार माइनस 1.9 बार, तो अगर आप इसमें कन्वर्ट करना चाहो बेटा, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि अगर मैं 26 को 2.6 बार को अगर मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा बेटा, 26 में से 2 गए डिवाइडेड बाय 9 माइनस 19 में से 1 गया डिवाइडेड बाय 9। आपको डायरेक्ट मैंने कन्वर्ट करना सिखाया था बेटा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो ये कितना जाएगा 24 अपॉन 9 माइनस 18 अपॉन 9। देखो यहां से देखो 9 दुनी 18, जैसे आपको जरूरत नहीं है आप सीधा सीधा इसमें कर देंगे बेटा, क्या आएगा ये 24 में से 18 गए 6 डिवाइडेड बाय 9। आपको मैंने रूल बताया था कि अगर बेस में 9 है और 9 से छोटा यहां पे जो भी नंबर होगा वो हमेशा अपने आपको रिपीट करेगा। अगर यहां पे 7 होता तो ये आंसर क्या होता 0.7 बार, अगर यहां पे 1 होता तो आंसर क्या होता 0.1 बार, अगर ये लेट्स से ये होता तो बेटा 99 क्या दिखा रहा है कि डेसिमल के बाद वो दो डिजिट को रिपीट करेगा, तो बेटा वो दो डिजिट कौन सी होंगी 0.06 बार। ठीक है, ये डायरेक्ट कुछ चीजें जो आपको आनी चाहिए, तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा अल्फा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, पहले इसको आप खुद से सोल्व करो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करो, क्योंकि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग दिखाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व कर पा रहे हैं मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, और मैं आपको ये बताता हूं कि बेटा 99% आप में से इस क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखो एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 144x एंड 192 इज द एससीएफ ऑफ, इन तीन नंबर का एससीएफ कितना है बेटा 12, देन द नंबर x कैन नॉट बी, तो इसमें से सॉरी तो उसने क्या बोला है कि भाई ये तीन नंबर है जिनका एससीएफ कितना है 12, तो इसमें से बताओ एक्स क्या नहीं हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले बेटा मैंने आपको एक क्वेश्चन पे बताया था कि जो एससीएफ होता है वो नंबर को भी डिवाइड करता है, मतलब x हमेशा 12 से डिवाइड होगा, ऐसा नंबर जो 12 का मल्टीपल नहीं है वो x नहीं हो सकता, पहला कॉन्सेप्ट तो ये। दूसरा बेटा एससीएफ नंबर को भी डिवाइड करेगा और एससीएफ बेटा हमेशा एलसीएम को भी डिवाइड करेगा, किस किस को डिवाइड करेगा, एससीएफ नंबर को भी डिवाइड करता है, एससीएफ एलसीएम को भी डिवाइड करता है। तीन बातें मैंने आपको इसमें बताई थी, क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अगर एससीएफ 12 है तो ऐसा नंबर जो 12 का मल्टीपल नहीं है वो कभी भी एक्स नहीं हो सकता, लेकिन आप यहां पे देखो पहला ऑप्शन 180 बेटा 12 से डिवाइड हो रहा है, हो सकता है एक्स की वैल्यू, 84 12 से डिवाइड हो रहा है आंसर हो सकता है, 60 12 से डिवाइड हो रहा है आंसर हो सकता है, 48 12 से डिवाइड हो रहा है आंसर हो सकता है, मतलब जो कॉन्सेप्ट हमने अभी तक सीखा था कि भाई 12 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पे तो बेटा चारों ही ऑप्शन कैसे आ गए 12 का मल्टीपल आ गए। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये क्वेश्चन गलत है, नहीं बेटा क्वेश्चन गलत नहीं है, आपने आधा अधूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अगर सारे के सारे नंबर मल्टीपल हैं तो अब आप एक्स की वैल्यू पुट करके एलसीएम निकालो, क्योंकि एलसीएम भी क्या होना चाहिए 12 से मल्टीपल होना चाहिए, और बेटा एलसीएम हमेशा सबसे बड़े नंबर से बड़ा होगा, कभी भी एलसीएम सबसे बड़े नंबर से छोटा नहीं हो सकता, एससीएफ सबसे छोटे नंबर से छोटा होगा, कभी भी एससीएफ बेटा सबसे छोटे नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। ये दो तीन चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखो अगर मैं 144, x, 192 का एलसीएम फाइंड करना चाहूं तो बेटा मैं इसको ब्रेक करूंगा तो ये क्या जाएगा 12 का स्क्वायर, तो 12 × 12 और 12 का स्क्वायर क्या होगा 4 × 3 = 12, मतलब यहां पे जाएगा बेटा 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 4 × 3 की पावर स्क्वायर। ठीक है, एक्स कुछ भी मान सकते हैं। अब एक बार बताओ अगर एक्स लेट करना है तो सबसे पहले हम किस पर लेट करेंगे, जो वैल्यू हमारे पास सबसे छोटी है बेटा, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इसमें 48, तो आपने 48 के उसको लिखो कितना आएगा 12 × 48, तो बेटा 12 × 48 का मतलब मैंने इसको ऐसे कर दिया या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा 16 × 48, और 16 × 48 का मतलब 2 की पावर 4 × 3। अगर 192 की मैं बात करूंगा तो देखो बेटा 4 से डिवाइड होता हुआ आपको दिख रहा है, 8 × 2 = 16, 8 से आपको डिवाइड होता हुआ दिख रहा है, तो हमने इसको अलग से ब्रेक कर लिया। ठीक है, मैंने इसको 8 से डिवाइड किया, 8 × 2 = 16, 8 × 4 = 32, दोबारा से 8 से डिवाइड कर लेते हैं, 8 × 3 = 24, यानी कि ये कितना गया 64 × 3, और 64 का मतलब कितना है बेटा 2 की पावर, तो 2 × 2 = 4, 8 × 2 = 16, 32 × 64, यानी कि 2 की पावर 6 × 3। आपने इसका एलसीएम फाइंड किया,
तो एलसीएम में देखो 2 की सबसे ज्यादा पावर कहां पे है बेटा, 2 की पावर 6। 3 की सबसे ज्यादा पावर कहां पे है, 3 की पावर 2। 2 की पावर 6 कितना होता है तो 64, और 3 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा 9। तो 9 4 जा कितना गया इसमें 36, कैरी 3। 9 6 जा कितना गया बेटा इसमें 54, 54 का कितना आ गया इसमें 3, 54 और 3 कितना गया इसमें बेटा 576। अब देखो इसमें लॉजिक क्या है। अब आपने मैंने हमें दो कॉन्सेप्ट बताया कि या तो जो एससीएफ होगा वो तो आपको दिख रहा है बेटा, देखो 12 से डिवाइड होगा तो 4 / 12 वो आपको इसमें दिख ही रहा है, क्योंकि अगर आपने नंबर इसमें देखा कि मल्टीपल है 12 का तो बेटा वो आंसर हो सकते हैं। लेकिन आपने एक्स को मान के क्या किया यहां पे एससीएफ निकाला, तो बेटा एससीएफ कितना आया मेरा यहां पे 576 आया। तो एससीएफ मैंने क्या बताया कि सबसे बड़े नंबर से हमेशा क्या होगा बड़ा होगा, और एलसीएफ जो होता है वो सबसे छोटे नंबर से हमेशा छोटा होगा। अब अगर मुझे यहां पे 48 माना, ठीक है बेटा, अब 48 मान के इसका एससीएफ देखो, देखो अगर मैं यहां पे इसका एससीएफ निकालना चाहूं, देखो बेटा यहां पे क्या कॉमन है 2 की पावर 4, यहां पे क्या कॉमन है 2 की पावर 4, यहां पे क्या कॉमन है 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 क्या है इसका एससीएफ। लेकिन हमें एससीएफ क्या चाहिए 12 है। अगर मैं 48 वो नंबर होता तो एससीएफ कितना आया बेटा, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 दैट इज 48, तो एससीएफ कितना आता 48। यहां पे आपको एलसीएम फाइंड करने की भी जरूरत नहीं थी, पहले आपको काम किस पे करना था एससीएफ पे करना था, इतने हम बच जाते। ठीक है, एक बार दोबारा से इसको देख लो अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेटा एक्स, पहला तो हमारे पास क्या रूल था कि भाई 12 का मल्टीपल देखो, जो 12 का मल्टीपल नहीं है वो आंसर हो जाएगा, लेकिन सारे 12 के मल्टीपल है। तो आपने क्या करा कि बेटा आप एक एक नंबर को इसमें लेट करेंगे, तो मैंने लेट कर लिया कि एक्स अगर 48 होता, तो अगर एक्स 48 है तो बेटा इनका एससीएफ देखो कितना आएगा, तो जब इनका एससीएफ फाइंड करोगे तो एससीएफ आ रहा है बेटा 48, लेकिन एससीएफ कितना चाहिए हमें 12, तो इसका मतलब ये डेल्टा है जो इसका एक्स की वैल्यू नहीं हो सकती है। आपको इस तरीके से क्वेश्चंस का अप्रोच करना है। देखो बेटा अगर कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन में हो, तो जैसे पहले सेशन में एक क्वेश्चन फ्रैक्शन में आया था उसका एससीएफ निकालने के लिए, एलसीएफ निकालने के लिए, अगर कभी भी डेसिमल है और आपसे पूछा उसका एससीएफ निकालो या एलसीएफ निकालो, सबसे पहली चीज आप डेसिमल इक्वल करो। डेसिमल इक्वल मतलब यहां पे डेसिमल के बाद देखो बेटा तीनों डेसिमल में डिजिट कितनी है, तो इसमें देखोगे आप बेटा डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसमें 1 डिजिट, इसमें 2 डिजिट, जो 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 बेटा जिस नंबर में सबसे ज्यादा डिजिट होंगे डेसिमल के बाद, हम हर एक में क्या करेंगे उसको इक्वल करेंगे। मतलब मैं इसको लिखूंगा 3.00, इसको मैं लिखूंगा बेटा 1.20, और इसको लिखूंगा मैं 0.06। जब डेसिमल आपके बराबर हो जाए तो डेसिमल को भूल जाओ, मतलब ये नंबर क्या है आपके लिए 300 120, और बेटा 006 मतलब क्या बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा। तो विदाउट डेसिमल आप इसका एससीएफ फाइंड करो, अगर एससीएफ पूछा है तो एससीएफ, एलसीएम पूछा है तो एलसीएम, और जितने डेसिमल पहले थे उनके बाद आप डेसिमल लगा दो। जैसे तो बेटा 300 120 और 6 का अगर मैं एससीएफ देखूंगा तो क्या बेटा 6 120 को डिवाइड कर रहा है, कर रहा है, क्या 300 को डिवाइड कर रहा है, कर रहा है, मतलब इन तीनों का एससीएफ कितना आया 6, लेकिन हमारा आंसर जो है इसमें 6 नहीं है बेटा, कितने डेसिमल के बाद मतलब डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है इसमें 2 डिजिट, मतलब आपको 2 से पहले क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो ये जो डेसिमल में क्वेश्चन था इसका एससीएफ कितना आया बेटा 0.06, दैट इज ब्रावो। What is the least number of square tiles required to pave the floor of a room 9 meter 99 centimeter long and 4 meter 7 centimeter broad? तो बेटा देखो लास्ट सेशन में भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, वो जो स्क्वायर टाइल्स है उसकी साइड क्या होती है हमेशा रेक्टेंगुलर फ्लोर की लेंथ और विड्थ की एससीएफ, तो हम इसको बेटा सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये कितना जाएगा 999 centimeter उसकी लेंथ हो जाएगी, और उसकी विड्थ कितनी है बेटा 407 centimeter। तो अगर कभी भी एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है और आपको बेटा यहां पे स्क्वायर टाइल्स डालनी है, तो उस स्क्वायर टाइल्स की जो साइड होती है वो हमेशा इन दोनों का एससीएफ होगा। ठीक है, आपसे पूछा यहां पे लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, तो एक स्क्वायर से पूरे रेक्टेंगल के स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या जाएगा वहां से नंबर ऑफ टाइल्स, तो इन दोनों का एससीएफ देखो। तो एससीएफ निकालने के लिए मैंने आपको रूल बताया था कि बेटा हमें हमेशा डिफरेंस पे काम करना है, सॉरी, ठीक है, हमें किस पे काम करना है यहाँ पे इनके डिफरेंस पे काम करना है। तो इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना गया बेटा 9 में से गया यहाँ पे 7, 2 गया 9 में से 0 गया 9, 9 में से 4 गया 592। अब मैंने आपको ये बताया था कि जिनका एससीएफ निकालना है उन दोनों का डिफरेंस निकालो, तो या तो उनका डिफरेंस एससीएफ होगा
या उसका कोई मल्टीपल। अगर बेटा मैं यहां पे देखूं 590 तो आपको दिख रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है, आपने 4 से डिवाइड करके देखा 4 से भी हो रहा है, आप इसमें 8 से डिवाइड करके देखो बेटा 8 से भी हो रहा है। तो मैंने इसको ब्रेक करना शुरू किया तो 8 इंटू अगर मैं डिवाइड करूंगा बेटा तो 87 जा 56 कितना गया, 84 जा 32। तो 74 को अगर मैं दोबारा ब्रेक करूंगा तो कितना जाएगा बेटा, ये मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो आप देखोगे 2 इंटू 37। अब एक बार बताओ क्या बेटा ये नंबर कोई भी 2 का मल्टीपल है, ना तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है ना ये 2 से डिवाइड हो रहा है, क्या 4 से डिवाइड हो रहा है ना 4 से हो रहा है, क्या 8 से हो रहा है 8 से भी नहीं हो रहा है, क्या 16 से हो रहा है 16 से भी नहीं हो रहा। तो अगर 592 या इसका कोई फैक्टर इसका अगर डिवाइड कर रहा है तो बेटा वो डिवाइड कौन सा करेगा 37। अब देखो ये आपको डिवाइड नहीं करना, ये आपको चेक नहीं करना, आपने छोटे छोटे नंबर्स को चेक किया, आपने 2 से करके देखा नहीं हो रहा, आपने 4 से करके देखा नहीं हो रहा, आपने 8 से करके देखा नहीं हो रहा। अब ध्यान रखो अगर 2 से नहीं हो रहा ना तो 2 के मल्टीपल से हो सकता है लेकिन चांसेस है कि वो डिवाइड ना हो। तो बेटा ये दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं 37 से, तो इनका एचसीएफ कितना गया 37। तो बेटा एक टाइल्स का स्क्वायर, अगर मैं एक टाइल्स एक स्क्वायर टाइल्स का एरिया देखूं, लेट्स से एन टाइल्स है तो एक टाइल का स्क्वायर कितना होगा बेटा, तो साइड इंटू साइड यानी कि साइड स्क्वायर, और वो जो पूरा एरिया है जो हमने इसमें स्क्वायर टाइल्स डाली है वो बेटा किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है इसमें, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, हम इसमें डिवाइड कर देंगे 999 इंटू 407 डिवाइडेड बाय 37 इंटू 37। आप इसको डिवाइड करोगे बेटा 999 को 37 से डिवाइड करोगे, 37 टू जा कितना गया 74, ठीक है। इसको अलग से डिवाइड कर लेते हैं बेटा, यहां पे हम जब 37 से इसको डिवाइड करेंगे तो 37 टू जा बेटा कितना जाएगा 74, यहाँ पे कितना बचा मेरे पास 259, तो कितनी बार जाएगा ये 7 बार जाएगा, 77 जा 49, 73 जा 21 कितना आएगा ये 29। तो बेटा ये कितनी बार गया इससे 27। अब 407 को हम डिवाइड करेंगे, बस आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए देखो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में। तो बेटा 37 बन जा 37 कितना बचा यहाँ पे 3 बचा, तो 37 बन जा 37। तो n की वैल्यू कितनी आई, तो बेटा n की वैल्यू आएगी 27 इंटू 11 मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 11, 7 जा 77 कैरी गया 7, 11 दुनी 22 और 2 कितना गया बेटा 297। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारे पास चार्ली। क्लियर है मेरी बात आप सबको बेटा, देखो ये क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं, बस आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट वही है सेम बिल्कुल। अगर देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे स्टार मार्क करो। और ये अच्छा क्यों है मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद इसको बताऊंगा, पहले आप एक बार खुद से ट्राई करो आप क्या दिमाग लगा पाते हो, उसके बाद मेरी अप्रोच देखो कि क्या अप्रोच होनी चाहिए थी या आपको एग्जाम में किस तरीके से अप्रोच करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ पी इज अ प्राइम सच दैट पी प्लस टू इज ऑल्सो अ प्राइम देन पी इंटू पी प्लस टू एंड प्लस वन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इफ 12 इज अ डिवाइजर ऑफ पी प्लस पी प्लस टू इफ पी इज ग्रेटर देन 3। अब देखो बहुत से बच्चे क्या करते हैं इसमें, इनको लेट करना शुरू कर देते हैं कि सर अगर उसने बोला है कि p एक प्राइम है और p प्लस टू भी एक प्राइम है तो हम लेट करना शुरू कर देते हैं कि 2 हो गया, जैसे 3 और 5 हो गया, ठीक है 5 और 7 हो गया, 11 और 13 हो गया। बेटा नहीं करना, ये आपको सिर्फ और सिर्फ आपको एक तरीके से आपको भटकाने के लिए उसने बोला है कि p एक प्राइम है, ठीक है आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसने बोला है कि p एक प्राइम है ताकि आप प्राइम नंबर्स में फंस जाओ। ये क्वेश्चन बेटा प्राइम का नहीं है, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है कैसे देखो। अच्छा एक बार बताओ उससे पहले कॉन्सेप्ट क्या है वो समझो, जो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, अगर पता था आप 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को सोल्व कर करते। अगर बेटा मेरे पास 2 नंबर है a इंटू b, आपसे पूछा है कि इसमें क्या एड करूं सो दैट इट विल बिकेम अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको कभी भी बेटा 2 नंबर की मल्टीप्लाई गिवन है और आपसे बोल रहा है कि इसमें क्या ऐड करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, बताओ। जैसे मैं अगर आपसे यहां पे बोलूं बेटा कि 11 इंटू 14 या अभी कुछ टाइम के लिए इसको 15 कर देते हैं, तो देखो कभी भी अगर 2 नंबर की बेटा मल्टीप्लाई गिवन है ना, उनके डिफरेंस पे काम करना है कि इन दोनों का डिफरेंस देखो, अगर इवन हुआ तो अलग तरीका है, ओड हुआ तो अलग तरीका है। देखो अगर बेटा इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है अगर ए और बी का डिफरेंस इवन है तो आपको इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, वो जो डिफरेंस है मान लेते हैं डी है, डी अपॉन टू का होल स्क्वायर।
आप अगर कभी जैसे बेटा 11 और 15 का डिफरेंस कितना है 4, ठीक है, तो इसमें 11 इंटू 15 में क्या ऐड करना पड़ेगा, तो बेटा 4 का आधा और उसका होल स्क्वायर, मुझे ये ऐड करना पड़ेगा टू मेक इट 11 इंटू 15 अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब एक चीज समझो, अगर बेटा गैप हमेशा 2 का है, जैसे 11 इंटू 13 तो गैप कितने का है 2 का, तो 2 का आधा 1, 1 का स्क्वायर 1, मतलब हमेशा क्या ऐड करना पड़ेगा 1 ऐड करना पड़ेगा, और यही तो कॉन्सेप्ट है। अगर एक p और p प्लस 2 प्राइम है तो मतलब बेटा दोनों का गैप कितना है 2, 2 का आधा 1, 1 का स्क्वायर 1, मतलब हमेशा ये क्या आएगा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बिना सॉल्व करे आपको ये पता होना चाहिए था, अगर आपको ये आइडेंटिटी पता थी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर a इंटू b का गैप ओड हो जाता तो, ये जो हमने इनका गैप देखा है अगर इवन था तो बेटा गैप का आधे का होल स्क्वायर, लेकिन अगर ये गैप अगर ओड होता तो क्या ऐड करना पड़ेगा, ध्यान रखना कि ये जो लेट्स से इसका गैप मान लेते हैं बेटा डी है लेकिन ये ओड है, तो ध्यान रखना हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा बेटा डी प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, इसको छोटे नंबर में ऐड करना पड़ेगा। किसको में ऐड करना पड़ेगा, इसको छोटे नंबर में। जैसे मैं आपको लिखता हूं 11 इंटू 14, तो इसमें क्या ऐड करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आपने देखा कि सर इन दोनों का गैप देखना है, तो इन दोनों का गैप देखो कितना है, हमने देखा कि इन दोनों का गैप है 3, 3 एक ऑड नंबर है, तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 3 प्लस 1 अपॉन 2 के होल स्क्वायर को छोटे वाले नंबर में ऐड करना पड़ेगा, और वो यहां पे ऐड करना पड़ेगा। जैसे 3 और 1 4, 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 11 और 4 15, मुझे 15 ऐड करना पड़ेगा टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। आई होप आपको ये पता होना चाहिए, नहीं है तो आपको समझ में आना चाहिए। अब यहां पे देखो आप आसानी से अप्रोच कर सकते हो बेटा इस क्वेश्चन को। आगे क्या बोला है कि 12 इज द डिवाइजर ऑफ द p प्लस p प्लस 2 इफ p इज ग्रेटर देन 3। हाँ, ये प्राइम का क्वेश्चन है। लेट्स से अगर बेटा 3 से बड़ा तो कितना होगा यहाँ पे 5, तो p प्लस 2 कितना जाएगा 7, 7 प्लस 5 कितना गया 12, क्या बेटा 12 इसका डिवाइजर आ रहा है। आपने छोटे नंबर पे चेक किया है, अब आप बड़े नंबर पे भी चेक करो, जैसे 11 और 3, तो बेटा 11 और 13, तो 11 प्लस 2 कितना जाएगा यहाँ पे 13, ये भी कितना गया बेटा 24, क्या 12 डिवाइजर है, बिल्कुल है, मतलब स्टेटमेंट पहला और दूसरा दोनों सही है। अब देखो ये आपको यहाँ पे सोल्व नहीं करना, आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि अगर दो नंबर की मल्टीप्लाई गिवन है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा। अगर गैप दो है ना, हमेशा आपको बेटा 1 ऐड करना पड़ेगा, बाकी अगर गैप इवन है तो ऐसे याद रखो, गैप ओड है तो ये याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि बेटा व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर n इज डिवाइडेड बाय 5 द रिमाइंडर इज 2, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द नंबर 3 n इज डिवाइडेड बाय 5। अभी मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कराया था कि क्वेश्चन में गिवन है कि जब मैंने बेटा n को डिवाइड किया 5 से तो रिमाइंडर कितना गया, रिमाइंडर इज 2। तो बताओ कि अगर मैं 3n को, तो अगर आपको बेटा याद हो मैंने बताया था कि रिमाइंडर का सबसे पहला रूल कि अगर n नंबर्स मल्टीप्लाई में है तो इंडिविजुअल नंबर को डिवाइड करो। जैसे मैंने 5 से 3 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। अब 5 से n को डिवाइड करो तो 5 से n को डिवाइड करके रिमाइंडर क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 2। बेटा दोबारा से उसको हम किससे डिवाइड करेंगे 5 से, ऐसा तब तक करेंगे जब तक वो छोटा नहीं आ जाएगा। तो इनका कितना आ गया बेटा 6, 5, 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आया 1। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर कितना है अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अब देखो आसान क्वेश्चन है बेटा, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन है। अगर मैं यहां पे देखूं इसको लिखेंगे 10 का स्क्वायर, क्योंकि 100 क्या होगा 10 का स्क्वायर, वो स्क्वायर कहां जाएगा बेटा 5 इंटू 10 में, तो अंदर क्या बनेगा ये आप देखोगे यहां पे लॉग बेस 10 ब्रैकेट के अंदर, तो बेटा जब वहां 10 कॉमन लोगे उसकी पावर 10 की पावर 2 करके बाहर आ जाएगा, ये क्या बनेगा बेटा लॉग बेस 10 इसका होल स्क्वायर। तो लॉग 10 कितना होता है 1, मतलब 10 का स्क्वायर, तो 2 कहां चला जाएगा बेटा बाहर, दोबारा से क्या बन जाएगा ये लॉग 10 बेस 10, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। सो द आंसर इज दिस क्वेश्चन इज चार्ली। अब देखो कितने आसान आसान क्वेश्चंस इसमें आ रखे हैं आपको, मतलब ना इजी इजी क्वेश्चंस हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए, इसीलिए आप प्रैक्टिस करते रहो अच्छे से। जितने अच्छे से आप प्रैक्टिस करके जाओगे बेटा एग्जाम में उतना अच्छा स्कोर आप कर पाओगे, उतने अच्छे से अप्रोच आप क्वेश्चंस पे कर पाओगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करो फटाफट से। अगर हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं बेटा क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री डिजिट नंबर डिवाइड्स 9238 एंड 7901, डिवाइड्स मतलब इन दोनों का एचसीएफ, डिविजिबल बाय एलसीएम, डिवाइड्स 9238 एंड 7091 मतलब इन दोनों का एचसीएफ। और बेटा दो नंबर का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था कि डिफरेंस पे काम करना है, तो 9238 का और
7091 का डिफरेंस कितना है बेटा, 8 में से 1 गया 7, 13 में से ऐसे कर लेंगे 4, यहाँ गया 1 बेटा, 9 में से 2 गया, 9 में से 7 गया 2, यानी कि 2147। तो इन दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर या तो 2147 है या फिर इसका कोई फैक्टर। अब इसका फैक्टर कैसे निकालें हमें नहीं पता ना, ऑप्शन से चेक कर लो, क्योंकि बेटा बड़ा नंबर है, छोटा नंबर होता तो एक बार को मल्टीप्लाई कर लेते। अगर बड़ा नंबर है तो जैसे पहला ऑप्शन है, अब ये आपकी बेटा लक के ऊपर है कि हो सकता है ये पहले ऑप्शन से डिवाइड हो जाए, हो सकता है दूसरे से डिवाइड हो सकता है बेटा तीसरे से डिवाइड हो सकता है ये चौथे से डिवाइड हो। अब इसमें आप इसके आपके लक के ऊपर है कि अगर वो पहला ही ऑप्शन हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आपको बेटा सारे ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा नंबर है, आपको ये याद नहीं रहता कि यार बड़े नंबर के मल्टीपल्स क्या है। तो जब मैं इसको 113 से डिवाइड किया तो बेटा मेरे पास मिलेगा 113 × 19। क्या 19 ऑप्शन में है? नहीं है, मतलब आंसर क्या है इसका 113, अल्फा इज द आंसर। अब ये आपकी देखो कैलकुलेशन है कि आप कितने जल्दी से उसको डिवाइड कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ इतना। तो अगर ये क्वेश्चन आपको याद हो, देखो अगर मैं 3 कॉमन ले लूं बेटा, मेरे पास क्या है 30030, तो अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा बेटा 10010, और अगर मैं 1001 × 10 कर दूं तो आपको दिखेगा ये 2 × 3 × 5 × 1001। बेटा 1001 आपको याद होगा 6 डिजिट का नंबर, 3 डिजिट को रिपीट करके फॉर्म करते हैं, तो हमेशा 1001 से डिवाइड होता है। तो बेटा 1001 के फैक्टर कितने होते हैं? 7, 11 और 13। प्राइम फैक्टर्स पूछे हैं तो बेटा प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, जो भी इनकी पावर होती है उनको ऐड कर देंगे, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हैं इसमें? 6। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहला काम होता है कि हम उस नंबर को कन्वर्ट करेंगे बेटा प्राइम बेस में, उसके बाद हम देखेंगे क्या पूछा है, इवन फैक्टर पूछे हैं, ऑड फैक्टर पूछे हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछे हैं या फिर प्राइम फैक्टर्स पूछे हैं, बात की बात है। पहले आपको क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, उसके लिए आपको ये डायरेक्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि भाई विच वन ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 9 − 2√14। तो अगर आपको याद होगा बेटा, मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था अंडर रूट ए प्लस माइनस 2√b, ठीक है, कि b के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ के a आ जाए, याद था, बीच में बेटा प्लस है तो अब प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो। क्या पूछा इसने? स्क्वायर रूट पूछा है। स्क्वायर रूट मतलब उसने पूछा आपसे कि 9 − 2√14, क्या बेटा ये फॉर्मेट इससे मेल खाता है? बिल्कुल, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 9, यहाँ क्या है माइनस, यहाँ 2, अंडर रूट b की वैल्यू कितनी है 14। तो बेटा 14 के ऐसे फैक्टर, ठीक है, 14 को ऐसे ब्रेक करो, ऐसे फैक्टर देखो कि मल्टीप्लाई करके तो 14 आए लेकिन जोड़ के क्या है 9, तो आप बोलोगे 2 × 7, देखो मल्टीप्लाई करके 14, 7 और 2 9। तो हम इसको कैसे लिखेंगे बेटा, हम इसको लिखेंगे उनको रूट में करके लिख दो, यानी कि √2 और √7, अगर बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो, प्लस होता तो बेटा प्लस लगा देंगे, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। तो इसका स्क्वायर रूट क्या है? √7 − √2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, इस पे स्टार मार्क कर लो, ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करो, कैलकुलेटिव है पर एक बार खुद से ट्राई करो। देखो बेटा, अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आपको लग रहा होगा कि सर कैलकुलेटिव है, कैसे सॉल्व करें, आपको क्या दिमाग लगाना था उस चीज को देखो। अगर मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूं तो बेटा क्या लिखेंगे इसको हम, 27 × देखो 1.2 बार को डायरेक्ट क्या बताया था कि 12 में से विदाउट बार माइनस करेंगे अपॉन डेसिमल के बाद जितने बार उतने 9 × बेटा इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूं ताकि पूरा एक ही साथ क्वेश्चन आ जाए। बेटा हमने इसको लिखा 27 × तो कैसे करेंगे, 12 में से डायरेक्ट 1 माइनस किया अपॉन बेटा 9 × इसको कैसे लिखेंगे, देखो 5 × 5 = 2 + 6 = 2 में से क्या माइनस करेंगे, तो आप देखोगे बेटा विदाउट बार मैंने आपको बताया था माइनस करना है, और जितने डेसिमल के बाद जितने के ऊपर बार उतने 9 और जितने बेटा विदाउट बार उतने 0 × इसको क्या लिखेंगे हम, 6/9। तो अगर मैं इसको काटना शुरू करूं तो आप देखोगे बेटा 9 × 3 = 27, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6। तो बेसिकली बेटा पूरा क्वेश्चन यहाँ पे अब यहाँ पे सोल्व करके लिखेंगे, तो 12 में से 1 गया 11। इसको वैसे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज छोड़ दो, ठीक है, इनटू क्या बचा बेटा मेरे पास 2 बचा, डिवाइडेड बाय 9 1 2 3। अब एक बात बताओ, ये कुछ भी नंबर सोल्व करके आए बेटा लास्ट में 3 0 और 9 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं?
देखो नाइन तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि डेसिमल के बाद एक डिजिट अपने आप को रिपीट करेगी, ठीक है, लेकिन कितने डेसिमल के बाद, ये जीरो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि तीन डेसिमल के तीन डिजिट के बाद एक डिजिट अपने आप को रिपीट करेगी। इसका मतलब डेसिमल के बाद बेटा टोटल डिजिट मेरे पास कितनी है, चार। यहां पे देखो क्या कोई ऑप्शन है, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, मतलब इसका आंसर क्या है बेटा, डेल्टा। आपको ये बेसिक सी अप्रोच देखना था, ये नहीं कि आपको इसको सॉल्व करना था, आपको बेस से ये अनुमान लगाना था, या आपको ये पता होना चाहिए था कॉन्सेप्ट वाइज कि भी यहां पे आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा उसी तरीके से, क्या बोल रहा है कि द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय, देखो व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय मतलब एलसीएम, 5, 6, 7, 8 लीव्स अ रिमाइंडर 3 इन ईच केस, ठीक है, तो बेटा तीन रिमाइंडर छोड़ रहा है हर केस में, तो बताना है कि वो नंबर क्या है। तो बेटा वही सेम चीज है, एलसीएम निकाल के तीन को ऐड कर देंगे, 5, 6, 7, 8 अगर रिमाइंडर सेम होता है उसको ऐड करते हैं, अगर अलग अलग रिमाइंडर होते हैं तो क्या बताया था, नंबर और डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम माइनस करेंगे। तो बेटा 5, 6, 7, 8 का एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे देखो 5 लिखेंगे, अगर यहाँ पे बेटा मैं 3 की बात करूंगा 3 जाए क्योंकि 2 8 में आ जाएगा यहाँ पे इंटू 7, तो 5 8 जा 40, तो बेटा 4 3 12 इंटू 7, 12 7 84, तो इन तीनों का एलसीएम कितना है बेटा 840, लेकिन 840 एलसीएम नहीं है, जो सेम रिमाइंडर है ना उसको ऐड करना पड़ेगा, तो बेटा नंबर कितना जाएगा ये हमारा 843, ब्रावो इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या बोल रहा है बेटा, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 8, अभी कैसे बताया था, एक दो डिजिट का नंबर है जिसकी बेटा डिजिट का सम कितना है 8, तो सारी ऐसे आप डिजिट लिख लो जिनकी डिजिट का सम 8 है, जैसे 1 और 7 बेटा, 2 और 6, 3 और 5, इसके बाद क्या जाएगा 4 और 4, बाकी अपने आपको रिपीट करेंगे। आगे क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द नंबर फॉर्मड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ द नंबर, ठीक है बेटा नंबर्स के बीच का डिफरेंस पूछा है कि अगर नंबर और उसके रिवर्स में 18 का गैप है, मतलब अगर मैं नंबर्स के रिवर्स को, तो देखो बेटा 44 का रिवर्स 44, गैप कितने का है, 0 का, ये तो नहीं हो सकता। 71 का रिवर्स कितना होगा, तो 17 का रिवर्स कितना होगा बेटा 71, क्या इन दोनों का गैप 18 आ रहा है, नहीं आ रहा, ये भी आंसर नहीं होगा। बेटा 62 का रिवर्स, अगर आप 26 का रिवर्स आप देखोगे क्या आएगा 62, बेटा लगभग गैप 30 से ऊपर का है, ये भी आंसर नहीं है। अब देखो 35 का गैप देखो कितना है 53, बेटा 35 और 53 का गैप देखो कितने का है 18 का, मतलब अगर मैं 35 में से 18 माइनस कर दूं, ठीक है, उसने क्या बोला देखो, एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18, तो अगर 35 और उसके रिवर्स का डिफरेंस कितना है 18 है, तो इसमें 18 आ रहा है, मतलब बेटा वो टू डिजिट का नंबर क्या था 35, हमसे क्या पूछा है इनके डिजिट्स का डिफरेंस, तो 5 में से 3 गया 2, बेटा इनके डिजिट का डिफरेंस कितना है 2। कभी भी अगर टू डिजिट का नंबर अगर आपको रिवर्सिबिलिटी में आए बेटा आप इस तरीके से अप्रोच करोगे, हाँ मैंने आपको मेथड बताया अलग तरीके से एक्स वाई करके, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे बेटा एग्जाम में आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है इसमें कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1780 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, इसमें क्या ऐड करूं कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो बेटा देखो परफेक्ट स्क्वायर के बारे में मैंने आपको 2 से 3 चीज बताई थी कि एक परफेक्ट स्क्वायर कभी भी 2, 3, 7, 8 से एंड नहीं होगा, ठीक है, 2, 3, 7, 8 से कभी भी एंड नहीं होगा, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था डिजिटल रूट, अगर आपको याद होगा तो एक परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल रूट हमेशा क्या होगा बेटा 1479, अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका डिजिटल रूट हमेशा क्या होना चाहिए 1479, इसके अलावा कुछ और हुआ तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये हुआ तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर 2, 3, 7, 8 हुआ तो डेफिनेटली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसके अलावा कुछ और बेटा उसका डिजिटल रूट हुआ डेफिनेटली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। उसी तरीके से देखो काम करना है बेटा, मुझे क्या करना है उसमें एड करना है, तो हम क्या किया पहले आखिरी डिजिट पर काम करते हैं, क्या नो हो सकता है, हो सकता है, क्या नो हो सकता है, हो सकता है, क्या नो हो सकता है बेटा, हो सकता है, क्या नो हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। अब एक चीज और है जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर कभी भी आखिरी डिजिट 6 है या 5 है या 0 है, मैंने आपको रूल बताए थे कि अगर आखिरी डिजिट 5 है तो बेटा फिक्स है कि यहाँ पे 2 ही होगा, 2 के अलावा कुछ और हुआ, ठीक है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 2 हुआ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसे अगर मैंने आपको बताया था कि 6 हुआ तो 6 से पहले हमेशा एक ऑड नंबर होगा, हमेशा क्या होगा एक ऑड नंबर होगा। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि बेटा 1 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 4 हो गया, इसके बाद 8 हो गया, 9 हो गया, इनसे पहले हमेशा कैसा नंबर आता है, एक इवन नंबर आता है, कैसा नंबर आता है,
इवन नंबर आता है। तो बाकी आप डिजिटल रूट पे भी काम कर सकते हो, आप इवन पे भी काम कर सकते हो। जैसे बेटा अगर मैं यहाँ पे डिजिटल रूट देखूं, 8 और 1 9 छोड़ दो, इसका बेटा डिजिटल रूट कितना है 7, यहाँ पे देखो कितना है 3, तो 7 में से 3 या डिजिटल रूट 4 हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, हमें नहीं पता। यहाँ पे देखा बेटा, यहाँ पे देखो 9 और 4, 9 छोड़ देंगे 4, 7 में से 4 गया 3, क्या बेटा कभी 3 हो सकता है, मतलब दिस कैन नॉट बी द आंसर। बेटा यहाँ पे देखो 9 छोड़ देंगे 5, 7 में से 5 गया, डिजिटल रूट कितना आया 2, क्या ये आंसर हो सकता है, कैन नॉट बी द आंसर। बेटा 7 में से 6 गया 1, ये हो सकता है, यानी कि या तो पहले वाला आंसर है या फिर डेल्टा आंसर है। बेटा डिजिटल रूट से आपने क्या किया कि दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। आसान तरीका पता है क्या, किसी एक को चेक कर लेते हैं। अगर आपने 1780 में 39 को ऐड किया, ठीक है, तो बेटा आपके पास कितना है 9, 8, 3, 11, 1, खासी लगा 1, 1819। वैसे तो आपको यहां से ही पता लग जाएगा कि वो स्क्वायर है या नहीं है, लेकिन स्क्वायर निकालने का तरीका, स्क्वायर रूट निकालने का तरीका अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि आखिरी डिजिट में देखो कि अगर 9 आया है तो 9 किसके स्क्वायर में आता है, या तो बेटा 3 के स्क्वायर में या 7 के स्क्वायर में, एक डिजिट को छोड़ दो, ऐसा नंबर लो जिसका स्क्वायर या तो 18 है या 18 के पास है, या तो 18 आ जाए या 18 से छोड़ दो। हमने देखा बेटा 4 चौक 16, या तो ये 43 का स्क्वायर है या फिर बेटा ये 47 का स्क्वायर है। अब एक बात देखो बेटा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, लेकिन हमारे पास क्या 18 है, ये जो 18 है ये किसके पास है, ये 16 के ज्यादा पास है या 25 के ज्यादा पास है, तो आप देखोगे कि सर ये छोटे वाले नंबर यानी कि 16 के ज्यादा पास है, तो बेटा इसका मतलब ये 43 का स्क्वायर होना चाहिए। अगर ये 43 का स्क्वायर है तो आंसर हो गया, अगर 43 का स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब डेल्टा आंसर है। तो बेटा 43 का स्क्वायर करके देखो, ठीक है, वैसे तो निकालने का तरीका अलग है, आपको बेसिक से बता रहा हूं, 3 3 9, 4 3 12, 24 का 4, यहां से पता लग गया बेटा लास्ट में क्या होना चाहिए था 49, यहां पे क्या है 19, ठीक है। अब आपको याद होगा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर लास्ट में 9 8 आ रहा है तो उसकी टेंथ प्लेस कैसी होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, यहां पे कैसी है ऑड। आप उस कॉन्सेप्ट से भी डायरेक्टली बोल सकते थे कि भैया ये आंसर नहीं, आंसर क्या है इसका डेल्टा, लेकिन बेटा वो सारे रूल आपको याद होनी चाहिए, आपके दिमाग में बिल्कुल छपे होनी चाहिए, तभी आप इतने अच्छे से अप्रोच कर पाओगे, ठीक है। तो आज का आंसर क्या आ गया डेल्टा। बेटा व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन एक्स की पावर 11 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, तो अगर आपको याद होगा एक्स की पावर 1 प्लस 1 की पावर क्या करेंगे, तो एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर एन, पावर कैसी है ओड, हमेशा किससे डिवाइड होगा बेटा एक्स प्लस 1 से, अगर हमेशा एक्स प्लस 1 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, डायरेक्ट बेटा बेसिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो उसने क्या बोल रहा है कि व्हाट इज 3.76 माइनस 1.456, ठीक है 4576 का बताओ। तो पहले तो आपको देखना है बेटा, देखो निकालने का तरीका क्या था, आप देखो डेसिमल के बाद बेटा कितनी डिजिट के ऊपर बार है 2, यहां पे बेटा कितने के ऊपर बार है 3, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6, मतलब यहां पे हमें 6 डिजिट लिखनी है, इन दोनों में डेसिमल के बाद विदाउट बार मैक्सिमम कितना है 1, तो मतलब 0 के बाद हमें यहां पे 1 डिजिट लिखना है। इस फॉर्मेट में आप इस नंबर को लिखना शुरू कर दो, तो ये कितना है बेटा 3.76767667, इसके बाद क्या लिखेंगे बेटा 1.4, ठीक है आगे क्या लिखेंगे हमें 576, तो 576 एंड 5 एंड 7 इनको ऐड कर दो। ये जो बेटा दो हमने डंडे लगाए हैं ना, इनके बीच वाली टर्म हमेशा अपने आप को रिपीट करेगी। अब देखो बेटा 7 और 7 14 का 4 हासिल लगा 1, 6 और 5 11 और 1 12 का 2 हासिल लगा 1, 7 6 13 और 1 14 का 4 हासिल लगा 1, 7 6 13 और 1 14 का 4 हासिल लगा 1, सॉरी अच्छा माइनस करना है, ओके मैंने इसको ऐड कर दिया बेटा, ध्यान रखना इसको माइनस करना है। तो देखा 7 में से 7 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 6 गया 1, अब 6 में से 5 हम कैरी लेंगे बेटा 16, और 16 में से अगर मैं 7 करूंगा माइनस कितना गया 9, तो 91 कितनों में आ रहा है, अच्छा सब में आ रहा है, मतलब डेल्टा छोड़ के यहां पे कितना होता है 6 में से 5 गया 1, तो बेटा 191 देखो कितनों में आ रहा है 191, सिर्फ एक में आ रहा है अल्फा, आपका अल्फा आंसर। आपको पूरा कंप्लीट सॉल्व नहीं करना, लेकिन फिर भी अगर करना है तो कर लेते हैं बेटा। देखो 6 में से 6 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 7 और 7 में से 4 गया 3, 3 में से 1 गया 2, बेटा नंबर क्या बना 2.3। ये जो होता है हमेशा अपने आपको रिपीट करेगा 100191 इसके ऊपर बार,
हमारा आंसर क्या आएगा इसमें, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोल रहा है, द सम ऑफ टू नंबर इज 10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 20, व्हाट इज द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। ध्यान रखना द सम ऑफ टू नंबर इज, तो लेट कर लेते हैं ए प्लस बी, उन दोनों का सम कितना है 10, उन दोनों का जो बेटा मल्टीप्लाई है वो कितना है 20, व्हाट इज द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, उनके रेसिप्रोकल का सम बताओ, मतलब 1 upon a + 1 upon b का सम बताना है। बेटा अगर मैं इसको एलसीएम लेके सोल्व करूं तो नीचे क्या आएगा ए बी, ऊपर क्या जाएगा ये ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 10, ए इंटू बी की वैल्यू कितनी है 20, तो सोल्व करके कितना है ये 1 upon 2, दैट इज ब्रावो। देखो कितना आसान क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा 1 upon 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोल रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 88। ठीक है, चार डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताओ जो 88 से डिविजिबल हो जाए, तो 88 से डिविजिबल का मतलब बेटा 8 से भी हो जाए और 11 से भी हो जाए। तो को आसान तरीका क्या है बेटा, चार डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताओ क्या होता है, तो आपको याद आएगा कि सर 9999। इसमें आसान तरीका क्या है, इसको 88 से डिवाइड करो बेटा, 88 बन जा 88, यहाँ पे रिमाइंडर कितना गया 1, एक कैरी उतार लो आप, तो दोबारा क्या आएगा बेटा 88 बन जा 88, ठीक है, तो यहां से रिमाइंडर कितना गया 1 और 8 और 3 11, ये कितना जाएगा बेटा यहाँ पे 319। अब कितनी बार जाएगा, अगर मैं इसको चार बार डिवाइड करूं बेटा तो तीन बार जाएगा, ये 3 8 24 का 4 हासिल लगे 2, 8 3 24 और 2 26, रिमाइंडर कितना बचा 5, यहां से जाएगा बेटा 11, 6 और 5 11 और 2 में से 2 गया 0, मतलब 55। तो कहने का मतलब क्या है कि बेटा ये नंबर जब 88 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया 55, तो अगर मैं 55 माइनस कर दूं, यानी कि सबसे बड़ा नंबर है 999 इसमें से, मतलब 9999, अगर मैं 55 माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा, तो ये सबसे बड़ा नंबर होगा जो बेटा क्या होगा 88 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा इसमें चार्ली। अगेन इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, देखो डिवाइडेड बाय से क्या समझ आ रहा है, डायरेक्ट एलसीएम गिव्स रिमाइंडर 1, द नंबर इज, अगर 2 3 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमेशा क्या दे रहा है बेटा 1 दे रहा है, तो क्या आंसर क्या होता है हमेशा, तो 2 3 5 के एलसीएम में क्या ऐड करेंगे 1 ऐड करेंगे, इनका एलसीएम देखो 5 15 2 30, तो 30 में रिमाइंडर ऐड करेंगे जो सेम आ रहा है दैट इज 1, तो आंसर क्या हो गया बेटा 31। इतनी ही स्पीड से यह क्वेश्चन आपसे भी होना चाहिए था। अगेन क्वेश्चन क्या बोल दिया बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बताओ, क्या करना है आपको, देखो अगर मैं पहले रूट को सोल्व करूंगा तो बेटा क्या आएगा 32 अपॉन, ठीक है 1 2 3 4, क्योंकि डेसिमल के बाद मेरे पास चार डिजिट है, अपॉन जब बेटा मैं यहां पे इसको सोल्व करूंगा तो कितना आएगा 32 अपॉन 100। अब इसको देखो तो सोल्व किया तो बेटा ऊपर क्या आएगा 32 अपॉन, नीचे क्या आएगा ये 100 अपॉन अंडर रूट 32 अपॉन, कितना आएगा बेटा ये 10। तो इसको अगर मैं उल्टा करके लिखूंगा तो कितना जाएगा 32 अपॉन 100 इज इक्वल टू बेटा 10 अपॉन, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो कितना आएगा ये 1 upon 10, एंड 1 upon 10 इज 0.01, सॉरी 0.1, तो द बेटा 198 का आंसर कितना आ गया हमारे पास डेल्टा। इस क्वेश्चन में देखो बेटा क्या करना है कि इफ 2 की पावर m + 2 की पावर 1 + m इज इक्वल टू 24, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू क्या होगी। देखो एक तरीका तो ये कि इसमें आप पुट करके देख लो, जैसे 0 पुट करके देखा तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, तो 2 और 1 3, क्या 24 आ रहा है, मतलब पहला आंसर नहीं है बेटा। 3 पुट करके देख लो, यहाँ पे मैंने 3 पुट किया तो 2 की पावर 3 8, 3 और 1 4, तो 2 की पावर 4 कितना आ गया 16, ठीक है 16 और 8 कितना गया 24 बन गया, मतलब आंसर क्या है इसमें चार्ली। ऐसा क्वेश्चन कभी देखिए पुट कर लो, देखो पुट करके देखो बेटा 2 की पावर 3 + 2 की पावर 4, अब आपको देखना है क्या 24 आ रहा है, अगर आ गया तो आंसर कितना है 3, तो 2 की पावर 3 कितना आ गया 8, 2 की पावर 4 कितना गया बेटा 16, तो 8 और 6 14 का 4 हासिल लगा रहे 24, मतलब आंसर क्या है इसमें चार्ली। क्वेश्चन नंबर 200 देखो बेटा, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये, ठीक है, जो हमारा फोर्थ सेशन है बेटा नंबर सिस्टम में, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ एन इज अ नेचुरल नंबर देन रूट एन इज, अगर एन एक नेचुरल नंबर है तो रूट एन बताओ क्या होगा। ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, देखो ऑलवेज बोल दिया, ऑलवेज की वजह से गलत हो गया, क्यों बेटा, एक नेचुरल नंबर है ना, तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से लेके 2 से लेके 3 कुछ भी हो सकते हैं, मैंने 2 ले लिया, क्या रूट 2 एक नेचुरल नंबर है, नहीं है,
लेकिन अगर मैं रूट फोर लेता तो एक नेचुरल नंबर आ जाता, मतलब हमेशा नहीं होगा, हाँ नेचुरल नंबर आएगा लेकिन हमेशा नहीं आएगा, ऑलवेज की वजह से पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ऑलवेज अ रेशनल नंबर, नॉट नेसेसरी। ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, अभी बताया रूट चार लोगे तो दो आ गया जो कि एक नेचुरल नंबर है, और बेटा रूट टू क्या है, इरेशनल नंबर, ये भी गलत हो गया। आइदर अ नेचुरल नंबर और एन रेशनल नंबर, बिल्कुल सही बात। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 200 का आंसर क्या है यहाँ पे, डेल्टा। ठीक है बेटा, तो आज के सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 200 तक सोल्व किए हैं। ठीक है, आई होप आपको बेटा क्वेश्चन सोल्व करके मजा आया होगा। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं बेटा। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो पीछे के सेशंस हैं आप एक बार उनको बेटा गो थ्रू कीजिए, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप इसमें नोट डाउन कर लीजिएगा अलग से। कोई डाउट अगर आपको हो रहा है आप मेरे को बेटा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और जहां जहां पे मैंने थोड़ा सा फास्ट चलाऊ ना बेटा, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, सोल्यूशन को दो बार देखिएगा। क्लियर है मेरी बात सभी लोगों को? तो बेटा आप सभी से मैं मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू गाइस।